हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हमारे चैनल पे एनटीए टेस्ट पेपर्स अपडेट होने के साथ ही साथ जो पहले के एनटीए के पेपर्स हो चुके हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे एनटीए रिवीजन सीरीज के नाम से, जिसमें हम लोग 3 से 4 पेपर कवर करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी पेपर्स होंगे उनके जो क्वेश्चन होंगे सब मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही लिए जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लेंगे ना ही ज़्यादा इजी, सब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस लेंगे जिनके बेसिस पे आने के चांसेस है। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज होगी हमारी एक, जिसमें मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स टेस्ट पेपर का रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर, 2 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये पहले टेस्ट पेपर का। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 का ये पहला, द प्रेशर ऑफ अ मीडियम चेंज फ्रॉम 1.01 10 टू पावर 5 पास्कल टू 1.165 इनटू 10 पावर 5 पास्कल। डाटा दिया है, ठीक है, प्रेशर में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना 10% का चेंज दे रखा है द बल्क मॉडल। पहली बात तो फॉर्मूला इसका जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए, पी इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन यहाँ पे वी वाई डेल्टा भी होता है, और ये माइनस साइन आता भी किस वजह से, इसी की वजह से आता है डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर अगर हम लोग किसी भी चीज़ पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा इसके वॉल्यूम में डिक्रीज होगा ना, फाइनल वॉल्यूम कम आएगा, इसी वजह से माइनस साइन आता कहाँ से, यहाँ पे वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे कितना परसेंट वॉल्यूम हो रहा है 10%, तो डेल्टा वी बाई वी कितना दे रखा है यहाँ पे 200, अगर करेंगे तो कितना आएगा 10% आएगा, और ये डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/100, अगर करेंगे तो 1/10, लेकिन हमें रखना क्या यहाँ पे v बाई डेल्टा v, मतलब क्या 10 रख देंगे सिंपल सिंपल, और ये डिक्रीज वॉल्यूम तो डिक्रीज है तो माइनस साइन के साथ ही आने वाला है ये, तो ये कितना हो जाएगा माइनस v बाय, और ये कितना 10 रखेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा v बाई v है, ये कितना है v बाई डेल्टा v है, तो यहाँ पे कितना 10 रख देंगे माइनस के साथ रख देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमसे पूछा है कि बल्क मॉडल जो था बल्क मॉडल क्या चेंज इन प्रेशर इनटू 10 हो जाएगा, बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है ये चेंज इन प्रेशर है, यहाँ पे जो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे प्रेशर लिखते हैं क्या रखते हैं चेंज इन प्रेशर रखते हैं, इसको माइनस कर देंगे 1.01 1.1, ये हो जाएगा माइनस 1.01 5 और 5 1 कितना 0.155 इंटू 10 टू पावर 5, और ये 10 था पहले से रख देंगे तो कितना आएगा 1.55 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है, बल्क मॉडल कितना आएगा 1.55 10 टू पावर 5 पास्कल, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बस यहीं पे है कि आप जब ये डाटा पुट करेंगे यहाँ पे यहीं पे गलती करेंगे, क्योंकि 1/10 सीधा सीधा उठा के रखेंगे, 1/10 उठा के रखेंगे तो 10 टू पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा आंसर, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन रख दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ स्फेरिकल हॉलो बॉल, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ स्फेरिकल हॉलो बॉल फिल्ड विद वाटर। तो ये सिंपल पेंडुलम का जो इसका बॉब है वो हॉलो है, जिसमें क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है। अप्लग्ड होल नियर द बॉटम ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉब गेट्स सडनली अप्लग, नीचे पहले क्या था यहाँ पे होल था, फिर उसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग सडनली बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन टिल वाटर इज कमिंग वर्ड। तो हमें यह बताना है कि जब वाटर हमारा आ रहा है तो यहाँ पे ऑसिलेशन बताना है, ठीक है, टाइम पीरियड बताना है, यहाँ पे टाइम पीरियड होता क्या है यहाँ पे टी इक्वल टू 2π√LG, एल क्या होता है ये इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है, ये होता है हमारा इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ होता है ये हमारा एल, इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या होता है वहाँ से लेके पूरा सेंटर ऑफ मास तक का होता है। तो यहाँ पे अगर जब पानी भरा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, पहले बीच में होगा, फिर जब इसके होल यहाँ पे कर दिया जाएगा तो वाटर क्या होगा, वाटर हमारा गिरने लगेगा, वाटर नीचे आना, सेंटर ऑफ मास इस स्फीयर के लिए क्या होगा शिफ्ट होगा नीचे की तरफ, शिफ्ट होगा नहीं नीचे की तरफ, यहाँ पे और साफ देखते हैं फिगर को, यहाँ पे पहले हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या था ये मान लेते हैं, उसके बाद में अगली कंडीशन क्या है कि जब इसको हम लोग होल कर देंगे, तो होल कर देंगे तो पानी क्या आएगा नीचे गिरने लगेगा, वही पूछा है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन टिल वाटर इज कमिंग आउट, तो वाटर क्या आ रहा है बाहर आने लगा है, वाटर हमारा इसे बाहर आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा नीचे शिफ्ट होगा यहाँ पे, और नीचे शिफ्ट होगा तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी ये बढ़ेगी, एल डैश मान लेते हैं, तो एल डैश क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा एल से, फिर वापस से जब पानी खत्म हो जाएगा पूरा तो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास के वापस से कहाँ आ जाएगा स्फीयर के लिए, खाली खाली स्फीयर का सेंटर पे आ जाएगा फिर से, तो इफेक्टिव लेंथ क्या आएगी ओरिजिनल वाली फिर से हो जाएगी, ओरिजिनल वाली फिर से हो, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है टी इक्वल टू 2π√LG, पहले एल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है अपने पोजीशन पे आ जा रहा है कॉन्स्टेंट हो जा रहा है,
तो यहाँ से क्या पता है, पहले टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर क्या आएगा अपने ओरिजिनल वाली वैल्यू पे आ जाएगा। क्या लिखा है, फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज ओरिजिनल वैल्यू, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बस यही देखना है कि इफेक्टिव लेंथ होता है, एल हमारा जो होता है ये खाली थ्रेड का लेंथ नहीं होता है, ये अगर बॉब का अगर मास दे रखा है और सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ आ गया कि बॉडी ऐसी है कि उसका सेंटर ऑफ मास भी आ सकता है, तो इफेक्टिव लेंथ लेंगे वहाँ पे, खाली थ्रेड का मास नहीं लेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। थ्री चार्जेस माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू एंड माइनस क्यू थ्री आर प्लेस्ड एज़ शोन इन द फिगर, फिगर में दिखा दिया गया ऐसे शोन है था एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस क्यू वन, यहाँ पे बताना है कि फोर्स बताना है माइनस क्यू वन पे, वो भी खाली एक्स कंपोनेंट, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस क्यू वन पे फोर्स लगाना है हमें, तो माइनस क्यू थ्री इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा, किस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में तो लगाएगा, यही लगाएगा ना, बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है माइनस क्यू थ्री किस पे लगा रहा है, माइनस क्यू वन पे लगाना चाहिए। अगर आपने, आप क्या करोगे जल्दबाजी में, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स जो है हम लोग जल्दबाजी में इधर कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये क्यू वन फोर्स किस पे लगा रहा है, क्यू थ्री पे, ये गलत हो जाएगा फोर्स, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि क्यू वन पे कितना फोर्स लग रहा है ये चाहिए, तो हमने देखा क्यू वन पे कौन लगा रहा है, एक तो ये क्यू टू लगाएगा, क्यू टू क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, Q2 अपनी तरफ खींचेगा और Q3 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, बस यहाँ पे यही ध्यान देना है। अब ये मत कर देना कि ये Q2 और Q1 के बीच में इधर फोर्स लगाना है, ये क्या, ये Q1 Q2 पे लगा रहा है, हमें खाली बताना Q1 पे कितना लगेगा, तो यही बात का यहाँ पे ध्यान रखना था। तो ये फोर्स किसके बराबर है, इस फोर्स की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल के Q2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1 अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा के Q3 और Q1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हमें खाली क्या चाहिए एक्स कंपोनेंट, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका अगर दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर करेंगे एक इधर करेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट तो सिंपल हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जो आएगा इसको अगर हम लोग एफ डैश मान लेते हैं, तो ये कंपोनेंट आएगा एफ डैश कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एफ डैश साइन थीटा हो जाएगा, तो x कंपोनेंट में कौन से है, यही दो फोर्सेस तो आ रहे हैं, तो इसका f नेट लिख देंगे, f नेट क्या आएगा k q2 q1 upon b स्क्वायर, और ये वाला रख देंगे यहाँ पे प्लस k q3 q1 upon a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोपोर्शनलिटी खाली बतानी है, यहाँ पे k तो कांस्टेंट है, ऑप्शन देख के देख लेते क्या पूछा है, प्रोपोर्शनलिटी किस फॉर्म में पूछा है, अदर चार्जेस के फॉर्म में, के क्यू वन क्या है सेम है, तो क्यू टू बाई बी स्क्वायर, और ये क्या आ गया क्यू थ्री बाई ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्यू टू बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे देखना है माइनस साइन है, ये क्या है यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि माइनस साइन क्या कब आ जाता है यहाँ पे, जब हम लोग अपोजिट वाला लेते, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट कहाँ आ जाता है, इधर आ जाता, तो ये थीटा तब भी यहाँ पे साइन थीटा वैसे आना चाहिए था, ये तो कॉस थीटा लगा रखे, तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं हो सकता, तो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला बी ऑप्शन चला जाएगा। बस यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखना है कि हमें क्यू वन पे फोर्स चाहिए, क्यू वन किस पे लगा रहा है ये नहीं, अदर क्यू वन पे कैसे लगा रहा है हमें वो फोर्स चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, ये टू का है, ठीक है, अ टेबल फैन रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट इज स्विच ऑफ एंड द रिजल्टिंग वेरिएशन ऑफ द रेवोल्यूशन पर मिनट विद टाइम इज शोन इन द फिगर। कोई फैन था रोटेट कर रहा था 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से, उसका हमने क्या कर दिया स्विच ऑफ कर दिया, फिर उसका ग्राफ दिखा दिया गया, द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फैन बिफोर इट कम टू रेस्ट, तो रेस्ट पे आ जा रहा है, पहले क्या था 2400 रेवोल्यूशन, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे रेस्ट पे आ जा रहा है, तो हमें बताना है कि ये बताना है टोटल रेवोल्यूशन कितना किया, ये सिंपल क्या दिख रहा है एक तरह से, अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन में जाएं तो क्या होगा, ये वेलोसिटी और क्या दिखता है टाइम का ग्राफ, और क्या पूछा है हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है, टोटल क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहाँ पे सिंपल है, क्या निकाल लेंगे हम लोग एरिया, एरिया निकाल लेंगे, अब यहाँ पे इसने मिसप्रिंटिंग था, बी नहीं था ये ईट था, तो हमें क्या चाहिए इसके बीच का ये टोटल एरिया चाहिए, या ये एरिया क्या हो जाएगा इसके टोटल रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, ये क्या दे रखा है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो पहले तो इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ये 2400 रेवोल्यूशन है रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो उसको चेंज करेंगे रेवोल्यूशन पर सेकंड में, क्या करेंगे डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा, ये हो गया, और ये 600 दे रखा है, तो 600 को चेंज करेंगे 600 बाय 60, तो ये आएगा 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड,
तो अब सिंपल से हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है कि ये पहले बॉडी जो है यहाँ पे ये 8 दे रखा है और ये हो जाएगा 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड और ये हो जाएगा 40 रेवोल्यूशन पर सेकेंड और ये टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है। तो हमें यही बताना है ये रेस्ट पे आ रहा है, ये वाला हमारा पार्टिकल जो हो रहा है रेस्ट पे आ रहा है यहाँ पे, रेस्ट वाला यहाँ पे 24 सेकंड में रेस्ट पे आ रहा है। तो हमको क्या चाहिए, टोटल रेवोल्यूशन मतलब क्या, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पे क्या चाहिए हमको, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इसके लिए क्या है, ये क्या बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, दोनों का एरिया निकाल। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी बाई टू, ये कितना दे रखा है, ये ओरिजिन है 0 प्लस 40, ये कितना 40 प्लस 10 बाई टू और इंटू बीच का डिस्टेंस इंटू 8, ये पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। ये सिंपल क्या है, पैरेललोग्राम ही तो है ऐसे है, ये कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ये 0 दे रखा है और बीच का ये 8 दे रखा है ये वाला, और ये कितना दे रखा है, ये 10 दे रखा है। तो ये क्या है, सिंपल पैरेललोग्राम ही है। तो मैंने क्या किया, 40 प्लस 10 बाई 2 इंटू 8 हो जाएगा और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या होता है हाफ इंटू ये 10 हो जाएगा हाइट, और ये कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, ये तो ब्रेथ बनेगा, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 16 हो जाएगा। तो ये 2 5 टाइम जा रहा है और ये कितना, ये 4 टाइम जा रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 50 54 जा कितना होगा 200 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 16 5 जा कितना 80 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 280 रेवोल्यूशन करेगा, कितना करेगा 280 रेवोल्यूशन, बी ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना था कि ग्राफ तो है, पहली बार तो हमें इसका ये तो पता चल जाएगा तुरंत कि हमें इसका आइडिया निकालना, बस यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो सकती है कि कितना 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखो, टाइम किस में था सेकंड में, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी थी। कौन सा ऑप्शन गया, बी ऑप्शन। फिर कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द वॉल इज स्मूथ बट द सर्फेस ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इज कॉन्टेक्ट आर रफ। ये कैसा है, ये तो स्मूथ है, ये स्मूथ दे रखा है, ये रफ दे रखा है। द फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्विलिब्रियम, हमें बताना है ए पे कितना फ्रिक्शन लगेगा बी के वजह से, ए पे बी के वजह से फ्रिक्शन कितना लगेगा। पहली बात तो ये स्मूथ है तो बॉडी कितना भी नॉर्मल फोर्स लगा ये तो रुकने वाले नहीं है, ये क्या होगा नीचे जाएगा, ए क्या जाएगा हमारा, ए की टेंडेंसी होगी नीचे जाने की। तो बी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बी अगर ऊपर जाता है फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा देगा, ये नीचे लगा देना फ्रिक्शन फोर्स ए ड्यू टू बी, क्योंकि बी जहाँ जाएगा उसके अपोज में उसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा नीचे, क्योंकि ए की टेंडेंसी, क्योंकि पूरा सिस्टम तो रुकने वाला नहीं है। कोई अगर कह दे कि बताओ कितना नॉर्मल लगाए कि रुक जाए, नहीं लगा सकते, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाता तब, द सिस्टम कांट रिमेन इक्विलिब्रियम फॉर एनी फोर्स वैल्यू ऑफ एफ। लेकिन इसमें खाली पूछा है कि ये दो रफ है तो इनके बीच का फ्रिक्शन बताओ, तो ये अगर पूरा सिस्टम रुकेगा नहीं तो ये आ जाएगा नीचे। तो B की टेंडेंसी कहाँ होगी, ऊपर जाने की। तो B की टेंडेंसी ऊपर जाने की, तो A क्या करेगा, B को रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन लगा के। तो फ्रिक्शन ऑन A ड्यू टू B इज डाउनवर्ड्स, कौन सा हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा। A stone is thrown at 25 meter per second at 53 degree above the horizontal. तो कोई स्टोन है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल से कितना थ्रो कर दिया है, 53 डिग्री पे थ्रो किया है, तो हम लोगों ने 53 डिग्री पे थ्रो कर दिया है, इतना दिया है 25 मीटर पर सेकंड। फिर क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम इट वेलोसिटी इज एट 45 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करते हुए ऐसे जाएगा यहाँ पे कहीं पे गिरेगा। पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं ये हॉरिजॉन्टल है अपना, यहाँ से जो इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है वो मान लेते हैं ये 45 डिग्री बन रही है यहाँ पे, ये भी जो वेलोसिटी होगी भी मान लेते हैं ये 45 डिग्री बन रही है। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है। अगर हमें क्या रेंज पता होती है यहाँ से यहाँ तक का, अगर हमें टोटल रेंज नहीं खाली यहाँ तक का, ठीक है, एक्स कंपोनेंट वाला अगर ये पता होता, हम सिंपल क्या लगा देते, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी लगा देते। तो एक्स अगर पता होता यू कॉस थीटा क्या होना है, सेम ही होना है दोनों के लिए, इसके लिए या इसके लिए क्या होता है, दोनों के लिए सेम होता है एक्स कंपोनेंट, तो टाइम सीधा सीधा आता है। लेकिन हमें एक्स कंपोनेंट तो दिया ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे फिर सीधा वाई कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट के लिए क्या पता होना चाहिए, वाई कंपोनेंट के लिए, वाई कंपोनेंट की सब कुछ चीज़ें पता है, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी एक्सीलरेशन जो भी होता है ये सब कुछ वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वाई कंपोनेंट के लिए, वाई कंपोनेंट के लिए ये अगर देखा जाए 53 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 25 साइन 53, तो साइन 53, तो इसका अगर देखा जाए यू वाई कितना आएगा, ये 25 साइन 53 की वैल्यू 3/5, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 होगा। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 होगी, 4/5। तो ये हो जाएगा 5/5 = 20 मीटर पर सेकेंड। तो वाई कंपोनेंट हमारी कितनी आई इनिशियल वाली? 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये यहाँ पे अगर 45 डिग्री हॉरिजेंटल से बना रहा है तो ये वर्टिकल से क्या हो जाएगा इसका? वैसे अगर वी है तो हॉरिजेंटल 45 डिग्री है ना, दोनों के दोनों सेम होंगे। कितना हो जाएगा? v/2 हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल भी कितना हो जाएगा? v/2। तो इसका वर्टिकल कितना आ रहा है? वी बाय मान लेते आएगा v/2। अब यहाँ पे मैटर फंस रहा है कि पहले क्या निकालने? वी निकालने। वी कैसे निकालने? क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है? सेम रहने वाला है। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 25 cos 53 = ये हॉरिजेंटल यही तो था, v/2 कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा? वी की वैल्यू निकल के आएगी। वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 25 यहीं पे कर लेते हैं। वी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 25 cos 53 3/5 × 2, ये वी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 15√2। v = कितना आ रहा है? 15√2। ये आ रहा है हमारा वी वाई कंपोनेंट, ये आ रहा है वी वाई कंपोनेंट, 15√2 आ गया। सॉरी, वी वाई नहीं आ रहा, ये खाली क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, ये आएगी वेलोसिटी 15√2। ये खाली हमारी ये वेलोसिटी आ रही है 15√2। हमें क्या चाहिए? हमें वाई कंपोनेंट चाहिए, v/√2 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 15√2/√2 कितना होगा? √2 कैंसिल, तो कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड आएगा vy। तो अब क्या लगा देंगे यहाँ पे? सिंपल सिंपल क्या, वर्टिकल मोशन में चले जाओ। ये फाइनल वेलोसिटी दी रखी है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, जी कितना होगा? जी तो हमेशा क्या होगा? -10 ही होगा। जी क्या होगा यहाँ पे? ऊपर जा रहे हैं, -10 होगा। तो लगा देंगे यहाँ पे vy फाइनल। फाइनल क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ है। कहाँ पे वेलोसिटी? नीचे की तरफ। तो -15 रखें यहाँ पे, ध्यान रखिएगा -15। इनिशियल क्या है? ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे 20। जो भी साइन कन्वेंशन आप अगर नीचे वाला प्लस ले रहे हैं, ऊपर वाला माइनस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी हमारा माइनस लगेगा ना, जी तो अगर मैंने नीचे वाला माइनस लिया तो जी मैं कैसा रखूंगा? नेगेटिव। और अगर आप नीचे वाला प्लस ले रहे तो आप नीचे वाला क्या, ये भी प्लस रखना। आपके ऊपर साइन कन्वेंशन कैसा भी दे सकते हैं, बस प्लस माइनस का ध्यान रखा। तो हमने नीचे लिया, नीचे कर दिया, और ये क्या है? ऊपर रखा, पहला वाला क्या रखा? ऊपर। तो इसको हम लोग प्लस ही रखेंगे। और जी कैसा लिखा है? माइनस, क्योंकि नीचे लगेगा, -10 × t सेकेंड पे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10t इधर आ जाएगा और 20 - 15 जाएगा, तो ये 5। तो t कितना आ जाएगा? ये 20 इधर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10t, और ये कितना हो जाएगा? 35। तो t कितना आ जाएगा? 3.5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 3.5 सेकंड। कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल, अगर रेंज दे दिया होता ये डिस्टेंस, जो हमारे लिए और आसान हो जाता, क्योंकि हम सीधा सीधा क्या लगा देते हैं? x = u cos θ × t u cos θ, तो सेम ही रहता, चाहे इसका लेते चाहे उसका लेते। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया इसी वजह से, क्योंकि हमें x कंपोनेंट नहीं दिया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखा है 100 वोल्ट एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इस कनेक्टेड टू LCR सर्किट विद L दे रखा है, C दे रखा है, R दे रखा है, ऑल कनेक्टेड सीरीज। व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर? अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है? VL/VR कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको? VC/VR कह सकते हैं, या फिर क्या सकते हैं? ωL/R कह सकते हैं, या फिर क्या? 1/√L/C। तो यहाँ पे कौन सा सबसे सही होगा? ये वाला लगाना सबसे सही होगा, 1/√L/C कर देंगे। तो क्वालिटी फैक्टर, अच्छा यहाँ पे कभी कभी ग्राफ पूछता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? आई और बी के बीच का ग्राफ होता है, आई और बी के बीच का ग्राफ। और क्वालिटी फैक्टर जितना शार्प होगा, आर क्या होगा? उतना लो होगा। यहाँ पे कुछ ग्राफ हमारा ऐसे बनता है ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जितना शार्प होता जाएगा, यहाँ पे देखना क्यू क्या है? शार्प है, तो आर क्या होगा? यहाँ पे लो होगा। लेकिन इसकी बात करते हैं, क्यों यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? लो होगा। और आर क्या होगा इसके लिए? हाई होगा। मैंने इस वजह से इस क्वेश्चन को रखा है ताकि आप ग्राफ पता चले। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल ये फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको कैलकुलेट करके कर देंगे जो भी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टू पार्टिकल ए एंड बी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड। पहले का टाइम पीरियड कितना है? टी ए, और दूसरे का कितना है? 5t/4। दे स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, दोनों के दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट होते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन द पार्टिकल ए कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अच्छा, एक अगर ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब टाइम कितना हो गया इसका? टी हो गया। और 5 होता क्या? ओमेगा इनटू टी, यही तो होता है 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 इनटू, और टाइम पीरियड क्या है?
यही तो देखा है, कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब क्या रखना है, कैपिटल टी रखना है, अभी हम बाद में रख देंगे इसको। फाइव टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टू इंटू टी, टी क्या रहेगा दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसने पूछा एक ऑसिलेशन जब हो, मतलब टाइम जब इतना हो जाए कैपिटल टी, तो हमें फेज डिफरेंस बताया, तो डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ओमेगा वन टी और माइनस क्या होगा ओमेगा टू इंटू टी, टी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ओमेगा वन, ओमेगा वन क्या हो जाएगा यहाँ पे टू पाई बाय टाइम पीरियड माइनस ओमेगा टू, टू पाई अपॉन ये पहले वाले का है, दूसरे वाले का टाइम पीरियड। अच्छा ये टाइम कितना होगा, क्योंकि कह रहा है कि जब बताना है जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो, मतलब एक का एक ऑसिलेशन, तो एक का एक एक ऑसिलेशन कितने में कंप्लीट होगा, टी में ना, क्योंकि टाइम पीरियड ही टी है, तो इसको कैपिटल टी रखना पड़ेगा। बस ये ध्यान से पढ़ना है आपको कि एक ऑसिलेशन मतलब क्या रखना है यहाँ पे, टी कैपिटल टी, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू पाई भी कॉमन ही ले लेते हैं हम लोग, टू पाई भी कॉमन ले लेते हैं, तो टी इंटू टू पाई, और ये वन बाय ये टी दे रखा है, ये कितना दे रखा है, वन बाय ये कितना दे रखा है, फाइव टी बाय फोर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, टी इंटू टू पाई, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे बड़ा वाला होगा उसको घटा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फोर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और फाइव फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फोर अपॉन फाइव टी, इसको करेंगे तो आएगा टी इंटू टू पाई, फाइव माइनस फोर करेंगे वन अपॉन फाइव टी, टी से टी कैंसिल, कितना आ रहा है टू पाई बाई फाइव, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बस यहाँ पे इसको ध्यान। अच्छा एक हमारे पास एक और तरीका है, डेल्टा फाइव बाई टू पाई इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ये कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा ये क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है, मतलब जो भी टाइम होगा यहाँ पे, इससे भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड इसका, क्योंकि टाइम पीरियड अगर टी करेगा तो फिर कितना होगा, ये कितना फाइव कवर करेगा, टू फाइव कवर करेगा, तो इससे भी लगा सकते हैं डेल्टा फाइव के हिसाब से। वैसे सबसे सही तो मुझे यही लगता है कि ओमेगा वन टी माइनस ओमेगा टू टी, क्योंकि सीधा सीधा पता होता है हमको ये वाला, ये फॉर्मूला उतना ट्रिक नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ा हिट कर जाएगा मेरे दिमाग को तुरंत, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। NTA 2 का क्वेश्चन नंबर 19, अ रिंग शेप ट्यूब कंटेन टू आइडियल गैस विद इक्वल मासेस एंड मोलर मास M1 32 और M2 दे रखा है। पहली बात तो ये है कि इक्वल मास है दोनों का, क्या है इक्वल मास, द गैस आर सेपरेटेड बाय वन फिक्स पोर्शन एंड अनदर मूवेबल स्टॉपर एस विच कैन मूव फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन। इसको क्या है, एक स्टॉपर लगा दिया गया है जो कि क्या है मूवेबल है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर सकता है, यहाँ आ सकता है, तो ये क्या अल्फा बढ़ जाएगा, यहाँ आ सकता है, ये अल्फा और बड़ा बड़ा हो सकता है, तो ये मूवेबल स्टॉपर लगा दे रखा है जो कि मूव कर सकता है। द एंगल अल्फा, यहाँ पे क्या पूछा है, अल्फा, अभी क्या दिख रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो पहली बात तो ये अगर दो गैसेस है ये और ये, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होना है, प्रेशर दोनों को क्या होना है, पी वन इक्वल टू पी टू होना है कि नहीं होना है, इसको पी टू मान लेते हैं, पी वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी टू हो जाएगा, ये वन है इसको पी वन मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, पी टू मान लेते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, अच्छा इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, टेम्परेचर क्या सेम दे रखा है, टेम्परेचर सेम आर सेम, प्रेशर भी क्या रखना है सेम, क्योंकि अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या प्रेशर क्या है दोनों को सेम, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे मोल्स, और वी क्या होगा रिंग है ना ये, तो यहाँ पे क्या है, अगर इसका देखा जाए पाइप की तरह एक तरह से, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही तो होगा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब आर भी क्या है दोनों के लिए सेम है, रेडियस सेम है, तो वॉल्यूम सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंड करेगा एन पे, और ये वॉल्यूम किस पे एल पे, और एल क्या होता है एंगल इक्वल टू क्या होता है एल, एल क्या होगा यही वाली तो डिस्टेंस होती है, और ये क्या होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, यही तो होता है, तो यहाँ से एल किस पे डिपेंड है सीधा थीटा पे डिपेंड है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा कि वी प्रोपोर्शनल टू मोल एंड प्रोपोर्शनल टू लेंथ और प्रोपोर्शनल टू थीटा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पहुँचना था यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वी वन बाय वी टू इक्वल टू एन वन बाय एन टू, और ये क्या थीटा वन बाय थीटा टू। अब ये मोल्स है, तो मोल्स क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास तो क्या दे रखा है सेम, तो यहाँ पे मोल किस पे इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर मास पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एम टू बाय एम वन इक्वल टू थीटा वन बाय थीटा टू। अब यहाँ पे रख देते हैं एम टू, एम टू का क्या अल्फा है, तो इसका यहाँ आएगा नीचे आएगा, तो एम टू बाय ये एम वन दे रखा है इक्वल टू एम टू का इधर अल्फा आ जाएगा, तो इधर कितना 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब एम टू कितना दे रखा है यहाँ पे 28, और ये कितना दे रखा है 32, तो 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा है, कितना 7 टाइम ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा ना ये, सॉरी 4 से ज़्यादा, 4 7 और 4 8 जा,
तो ये हो जाएगा कुछ सॉल्व करने पे ऐसा कुछ आएगा 7 α = 360 × 8 − 8 α, तो ये आएगा 15 α = 360 × 8, और अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 360 × 8/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम जा रहा है, 15 × 2 = 30 हो जाएगा 4, तो 24 × 8 कर देंगे तो 8 × 4 = 12 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 192, कितना आ रहा है 192 डिग्री आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इन अ रेजोनेंस पाइप द फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस आर ऑब्टेन एट डेप्थ, पहले की लेंथ दे रखी है, पहला रेजोनेंस L1 लेंथ दे रखी है और दूसरा L2 लेंथ दे रखी है, व्हाट विद द एंड कनेक्शन। एंड कनेक्शन से रिलेटेड दो फार्मूले होते हैं, दोनों के दोनों याद कर लेते हैं। एक तो रेडियस और एंड कनेक्शन में 0.61 × r होता है, और दूसरा ये वाला एंड कनेक्शन क्या होता है, L2 − 3L1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, L2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 70.2 − 3 और 22.7/2। इसको सॉल्व करेंगे 70.2 माइनस, इसको अगर पूरा करेंगे यहाँ पे तो 3 7 = 21, तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 3 × 2 = 6/2, तो 70.2 माइनस यहाँ पे 70.2 6.81 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.1, 2.1 / 2 अगर करेंगे तो कितना आएगा 1.0 क्या 5 के समथिंग आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पे एंड करेक्शन एक ये फॉर्मूला, और दूसरा जो ओपन पाइप और क्लोज पाइप के लिए रेडियस से रिलेटेड जो होता है, यहाँ पे रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, और क्या कांस्टेंट होती है 0.61 × r, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला जो होता है एंड करेक्शन याद कर, NTA इस पे क्वेश्चन दे रहा है, 3 पेपर में से हर एक पेपर में से 2 से में से किसी एक पे दे दे रहा है। अबव ऑफ मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ये दे रखा है, कोई M मास का है स्ट्रिंग है, इससे सस्पेंड किया गया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V एट पोजीशन A जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट रीच पॉइंट B। यहाँ पे V इतना दिया जाता है कि खाली कहाँ तक पहुँच पा रहा है ये, जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट रीच पॉइंट B, तो B तक पहुँच पा रहा है, तो एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ बॉब इज हाफ ऑफ दैट ऑफ A सेटिस्फाई, बताना है कि थीटा कितना होगा, कि ये एंगल कहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाए v/2, हमें सिंपल ये बताना है कि थीटा कितना हो जाए, कि वेलोसिटी कितना v/2 तक थीटा कितना होना चाहिए। सिंपल से अगर देखेंगे यहाँ पे, वैसे कुछ ना समझ में आया तो हमेशा क्या लगाए, वर्क एनर्जी थ्योरम या टोटल एनर्जी कंजर्वेशन वाला लगा दे, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, ये लगा देंगे, तो u इनिशियल पहले यहीं से लेते हैं 0 है, k इनिशियल कितना है 1/2 mv², U फाइनल जब यहाँ चला जाएगा तो इसकी पोटेंशियल से कुछ तो इनकी कितनी इंक्रीज होगी, यही वाले तो इंक्रीज होगी। अच्छा ये लेंथ क्या होगा, थीटा के टर्म में कितना होता है, ये वाला मैंने कह दिया था याद कर लीजिए सीधा L 1 − cos θ, मैंने यही बोला था सीधा सीधा याद कर लेना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा mg L 1 − cos θ प्लस फाइनल का कितना हो जाएगा 1/2 mv, अब v कितना है v/2 है तो v² / 4 हो जाएगा, ये टर्म इधर आएगा तो 1/2 mv² माइनस, और ये हो जाएगा 1/2 mv² / 4 इक्वल टू mg L 1 − cos θ। इसको अगर हम लोग माइनस, पहले ये m से m कैंसिल कर देते हैं हम लोग, और ये कितना दे रखा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 − 1 = 7 7/8। अब यहाँ पे क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दीजिएगा, v² gL 1 − cos θ। अब यहाँ पे v रखना है, v कितना होगा, v पहुँच कहाँ से रहा है, यहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, ये मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे 12 कवर कर रहा है ना यहाँ पे, तो v यहाँ पे हम लोग कितना रख सकते हैं, v = यहाँ पे कितना रख सकते हैं, यहाँ पे 12 डिस्टेंस, तो कितना होता है v, √2gh होता है, h कितना दे रखा है L, तो ये हो जाएगा √2gL कितना 12, तो हो जाएगा √4gL, तो यहाँ पे v² कितना का 8 7/8, और ये कितना हो जाएगा 4gL = gL 1 − cos θ, बस यहाँ पे v रखना था, यहाँ पे gl से gl कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × 7/2 और 1 − cos θ। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो cos θ कितना आएगा, cos θ को एक तरफ कर लेते हैं, और ये आएगा 1 − 7/2, तो ये आएगा −5/2 के समथिंग कुछ आएगा, cos θ क्या आएगा −5/2 के समथिंग आएगा, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेकिन आएगा कुछ माइनस साइन के साथ ही आएगा,
क्या आएगा, माइनस साइन तो रहना ही है इसमें। तो माइनस साइन और कॉस का ग्राफ होता कैसे, कॉस का ग्राफ पता है कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कुछ इसी तरह से होता है ये। तो माइनस साइन कहाँ आ रहा है, माइनस किसके बीच में आएगा, कॉस का ग्राफ यही तो आएगा, क्यों सा है ये पाई बाय टू, और ये कितना है थ्री पाई बाय टू, तो पाई बाय टू किसके थ्री पाई बाय फोर है, सॉरी थ्री पाई बाय फोर, कितना है ये थ्री पाई वन 135 डिग्री है, थ्री पाई बाय फोर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कॉस थीटा क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस किसके बीच होता है ये इसी ग्राफ में, ये देख लेना कॉस का ग्राफ जीरो डिग्री से शुरू करेंगे 90 और किसके थ्री पाई बाय फोर के बीच में होता है यहाँ पे माइनस डिग्री। अ सैंपल ऑफ फ्लोराइड इज यूज इंटरनली एज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल टू लुक फॉर द इफेक्ट फॉर द पॉजिट्रॉन डीके। फ्लोराइड क्या कर रहा है, हमें कुछ डायग्नोस्टिक के लिए यूज कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन डीके हो रहा है, हाफ लाइफ दे रखा है इसका, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99% ऑफ द फ्लोराइड टू डीके, हमें कितना डीके कराना है 99%, तो यानी फाइनल बचेगा कितना, अगर इनिशियल हम लोग 100 लेते हैं फाइनल कितना बचना चाहिए फिर 1, 99% तो डीके हो गया ना, 1 बचना चाहिए। आप क्या, या तो आपके पास केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला है के इक्वल टू 2. क्या होता है केमिस्ट्री वाला, के इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पे टी रखते हैं और लॉग जो भी होता है इनिशियल वाई फाइनल, ये करते हैं, या तो केमिस्ट्री वाला लगा दी या तो फिर फिजिक्स के लिए, फिजिक्स जो हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं। वैसे मैं जनरली तो ऐसा याद किया हूँ कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग मैंने याद किया है, ऐसा ऐसा होता नहीं, मैंने याद किया लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। अब यही अगर हाफ लाइफ के लिए देखा जाए टी हाफ, तो हो जाएगा लॉग इनिशियल 100 और फाइनल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा लॉग 2 आ जाएगा। तो बस मैं इसको क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, तो टाइम के फॉर्म में मैंने ऐसा कुछ याद रखा कि लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम अपॉन टी हाफ इक्वल टू लॉग इनिशियल, इनिशियल कितना 100, तो फाइनल कितना बचेगा यहाँ पे खाली 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बाय 1 इनिशियल अपॉन फाइनल, और ये क्या हो जाएगा लॉग 2, क्योंकि हाफ लाइफ है ना, तो 100 बाय 50 करेंगे 2 बचेगा यहाँ पे लॉग 2, तो इसको लॉग 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना यहाँ पे 2 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 2 बाय लॉग 2, तो टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू टी हाफ अपॉन लॉग 2, टी हाफ कितना दे रखा है 110 मिनट, ये मिनट में दे रखा है, और ये 0. कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगी हमारी किस में आएगी मिनट में, लेकिन हमको चाहिए किस में आवर में, तो डिवाइड में क्या कर देंगे 60 कर देंगे, 2 इंटू 110.3 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 60 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पे लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पे देखना 220 अपॉन ये कितना लिखा है यहाँ पे 18, तो 220 अपॉन 18 सीधा सीधा यही तो लिखा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 18 कितना टाइम जाएगा लगभग 12 तो सब में दे रखा है, और इसको कैलकुलेट करेंगे 100 अपॉन 9 कितना 12.2 के समथिंग आ रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लीजिए आप, ठीक है पेपर आ रहे हैं तो कैलकुलेशन यहाँ पे फास्ट होना चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा याद किया, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको केमिस्ट्री वाला और फिजिक्स का भी फॉर्मूला नहीं आता तो सीधा सीधा ये लिखिए टी प्रोपोर्शनल टू लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, और टी हाफ के साथ कंपेयर करना है तो क्या करेंगे लॉग 100 अपॉन 50, बस आ गया आंसर। ये यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। A room at 20 degree Celsius is heated by a heater of resistance 20 ohm connected to 200 volt main. Room कितने पे 20 degree Celsius पे, heater से, heater का resistance देगा, heater से हम इसको गर्म कर रहे हैं। The temperature uniform throughout the room and the heat is transmitted through a glass window. Area दे रखा है, thickness दे रखा है, तो ये विंडो है हमारी, इसकी एरिया दे रखी है 1 meter square, thickness, thickness मतलब क्या होगी, यही तो होगी thickness, यही तो हमारी थिकनेस होगी, ये जो लेंथ होगी यही तो थिकनेस होगी 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेम्परेचर आउटसाइड, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हम मान लेते हैं ये रूम है, हम क्या मान लेते हैं ये पूरा अंदर के साइड है, ये हमारी खिड़की है, ये क्या है रूम है, उधर क्या है बाहर की साइड है, ठीक है ये इन साइड हो गई, ये आउट साइड हो गई, तो बताना है यहाँ पे कितना 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बताना है टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड, यहाँ पे हमें थीटा बता देना कितना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लगा के गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो हो रहा है रूम को किससे गर्म कर रहे हैं रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस से जो हीट निकलेगी वही तो ट्रांसफर होगी वहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल क्या इलेक्ट्रिसिटी और किसका हीट ट्रांसफर का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहली बात तो हीट ट्रांसफर होती है, क्यू इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे कंडक्टिविटी,
ठीक है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, के ए, और क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा थीटा अपॉन एल, ये तो होता है हीट ट्रांसफर वाला, क्यू के उसका टू क्या होता है, के डेल्टा थीटा बाय एल होता है। अब हमको एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, डेल्टा थीटा पूछा है, तो डेल्टा थीटा कितना, 20 माइनस कुछ करेंगे यहाँ पे क्यू, क्यू किसके बराबर होगा यहाँ पे, हीट, हीट कहाँ से निकलेगी, ये जो रेजिस्टेंस से निकलेगा, रेजिस्टेंस से हीट कितने निकलेगी, वी स्क्वायर बाय आर। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रूम को हम लोग कितने रेजिस्टेंस से गर्म कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस से जो हीट निकलेगी वही तो आउटसाइड ट्रांसफर होगी, तो वही हीट किसके हो, वी स्क्वायर बाय आर। अब वी स्क्वायर कितना दे रखा है यहाँ पे, 200 इंटू 200, आर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और कंडक्टिविटी यहाँ पे दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास 0.2 कैलोरी है, कैलोरी में दे रखा है, तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आंसर तो हमारा जूल में आएगा, तो यहाँ पे दे भी रखा है कन्वर्जन के लिए, वैसे हमको पता भी होना चाहिए, अगर ना भी दिया हो तो भी पता होना चाहिए 4.2, तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू याद करके जाना। और एरिया दे रखा है 1, और डेल्टा थीटा मतलब 20 माइनस थीटा, थीटा मान लेते हैं यहाँ का, और यहाँ पे एल लेंथ कितना देखा, 0.2 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे, 0.2 मीटर, 10^-2 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 10 टाइम्स, और ये -2 है तो -3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी -3, ये कैंसिल हो जाएंगे सब आपस में, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 = 0.2 × 4.2, 20 - थीटा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट के समथिंग कुछ आएगा, 8.4 और 4, 20 - थीटा। अब ये कितना, 2 के समथिंग जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 मतलब 0.5 आएगा, तो कर लेते हैं पूरा पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 1.2, तो 1/2 ही मान लेते हैं, 20 - थीटा, ये कितना 0.5, 20 - थीटा, थीटा कितना आएगा, 20 - 0.5, तो कितना समथिंग आएगा, 19 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। अ वेव फॉर्म शोन व्हेन अप्लाइड टू अ फॉलोइंग सर्किट will produce which of the following output waveform, assume ideal diode configuration R1 = R2। ये वैसे ये हमने पूरा नहीं लिखा, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड था, ये पीएन जंक्शन डायोड जो है ऐसे कनेक्टेड था, ये हमारा था R2, इसके अक्रॉस आउटपुट निकालना था, ये R2 था, ये ऐसे था, तो ये पूछ रहा है हमसे कि वेवफॉर्म हमने ऐसे इनपुट दे रहे हैं, हम लोग ऐसे इनपुट हम लोग इस तरह कुछ दे रहे हैं, तो हमें बताना है ये आउटपुट, एज्यूम फॉलोइंग आउटपुट मतलब इसके अलॉन्ग निकालना है। तो पहला नंबर तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कैसा कनेक्टेड है इनपुट के थ्रू, अभी कैसा है, ये रिवर्स है कि फॉरवर्ड है, अभी देखना तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पहले साइकिल के लिए जब पॉजिटिव होता है तो हमारा पीएन कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है, मतलब पॉजिटिव में तो जाएगा नहीं, लेकिन जब इसको हम लोग नेगेटिव करते हैं, जब इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, यही तो होगा नेगेटिव में, तो ये कैसा हो जाएगा, फिर पीएन हमारा कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस ऐसे तो है ये, फिर ये पीएन हमारा कैसा होने वाला है, फिर जाके ये फॉरवर्ड मतलब नेगेटिव में देगा, पहली बात तो ये, तो हमसे ये पता है नेगेटिव साइकिल में देने वाला, तो पॉजिटिव में तो देगा ही नहीं, तो ये पॉजिटिव खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा दो नेगेटिव हमारे पास, नेगेटिव में देगा। अब किसके अलावा पूछा है, अब यहाँ पे कितना 5 वोल्ट इनपुट लगा रहे हैं, अब 5 वोल्ट इनपुट तो आउटपुट कितना लगेगा, आउटपुट क्या लगेगा, दोनों के क्रॉस 5 वोल्ट आएगा ना, तो एक के क्रॉस कितना आएगा, 2.5 वोल्ट आएगा, यहाँ पे गलती होनी है, कितनी आएगी 2.5, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। हाँ अगर ये वी आउटपुट अगर एक ना होता, खाली एक ही मतलब एक ही रेजिस्टेंस होता, अगर हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस होता यहाँ पे, ये हमारा पीएन कुछ ऐसा बना देता, ये एक ही रेजिस्टेंस और यहाँ पे खाली पूछा होता 5, तब तो कंफर्म है कि इसके अक्रॉस से पूरा 5 जाएगा, लेकिन एक और रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे साथ में, तो 2.5 में बस कितना 2.5 इस पे और 2.5 इस पे, तो हमसे खाली वी आउटपुट पूछता था, तो हमें क्या 2.5, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि करेक्ट आंसर पहला ही सबको क्या, पहले ही सब ए मार के आएंगे, क्योंकि सबको ये जनरली नहीं दिखेगा यहाँ पे, जब क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो ये नहीं दिखने वाला कि फॉरवर्ड है रिवर्स, यहाँ से देख लेना कि हम क्या कहते हैं पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो ये रिवर्स बायस हो जाता है, इसका तो कोई मतलब, तो रिवर्स में तो पॉजिटिव में तो देगा ही नहीं, तो हमने ये और ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पे देगा कहाँ पे, नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाला हमारे पास दो ऑप्शन है, उसके बाद कितना देगा, 5 वोल्ट देगा कि 2.5 देगा, तो हमें देखना किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, हम एक ही ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं, मतलब जो एक वाला रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस है, तो देखिए हम लोग 5 वोल्ट दोनों बराबर है, तो इस पे 2.5 जाएगा और इस पे 2.5 वोल्ट, तो हम खाली क्या लगाएं 2.5 वोल्ट, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
A bob of mass small m is tied with a thread and is made to move in a circular path of horizontal frictionless table about point O. ये कोई बॉब है, इसको कोई टेबल पर रख के ऐसे घुमा रहे हो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रेडियल, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लेते हैं ये हमारा मास था, इसको हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग घुमा रहे ऐसे पॉइंट ओ के अलोंग। अब रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, रेडियल डायरेक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे भी है, सब जगह तो ऐसे जा रहा है रेडियल, ठीक है। यहाँ पे हमारा ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या पूछा है यहाँ पे, इन दिस कंडीशन द बॉब इज अनचार्ज, अभी क्या है बॉब अनचार्ज है, एंड द टेंशन इन द थ्रेड इज टी, अभी फिर टेंशन कितना है इसमें टी है। इफ नाउ द बॉब इज गिवन सम चार्ज, अब इस पे हम लोग क्या चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज देंगे तो बताना है यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा। अगर हमने पहली बात तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था, तो बीच में यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, बीच में क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं बीच में, बीच में हमने माना कि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर क्या, बाहर के साथ नेगेटिव चार्ज है। अब हमसे पूछा है कि अगर हम लोग चार्ज देंगे, तो इसने ये नहीं बोला पॉजिटिव देंगे नेगेटिव, अगर हम इस पे दे दिए पॉजिटिव चार्ज तो ये दोनों क्या करेंगे रिपेल, तो इसको दूर भगाएगा, तो टेंशन क्या होगा बढ़ जाएगा। और अगर हम लोगों ने इसको दे दिया नेगेटिव, अगर इसको दे दिया नेगेटिव तो फिर क्या हो जाएगा अट्रैक्ट करेगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो हम नहीं बता सकते इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो डिपेंड करता है चार्ज पे कि चार्ज हम कैसा दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो टेंशन मस्ट इंक्रीज, इंक्रीज कब होगा जब पॉजिटिव चार्ज देंगे, मे इंक्रीज और डिक्रीज बी ऑप्शन हो जाएगा। टेंशन इन थ्रेड विद रिमेन अनचार्ज, अनचेंज, अनचेंज जब होता है जब चार्ज ही ना देते इसको, और थ्रेड मस्ट डिक्रीज, डिक्रीज जब होता है जिसपे हम लोग क्या देते हैं माइनस चार, ताकि अट्रैक्ट है टेंशन क्या होता है डिक्रीज। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। An accurate pendulum clock is mounted on ground floor of a high building. कोई बिल्डिंग है बड़ी सी, उसके ऊपर पेंडुलम क्लॉक है। How much time will it lose or gain in one day? One day में कितना टाइम में इसका लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है ये बताना है। If it is transferred to a top story of a building, which is कहाँ इसको लेके जाया गया है, 2 meter higher than the ground floor, radius of earth दे रखा है। तो टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है, पहली बात तो ये पता है हमको टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, लेंथ के बाद में तो कोई चेंज या नहीं है, हाइट पे जाते तो चेंज क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड ही चेंज होगा, ग्रेविटेशन फील्ड ही चेंज होगा। और हाइट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, g/g/1+h/re2, यही तो होता है। और टाइम पीरियड डिपेंड कैसा है, इनवर्स है ना, तो टी जो भी है t/t जो नया टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा g/g, और ये क्या हो जाएगा g, और g' कितना हो जाएगा g/1+h/re2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, g से g कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1+h/re2 ऊपर रूट। तो सिंपल क्या बचेगा हमारे पास, t/t=1+h/re2 रूट हट जाएगा। पूछा क्या यहाँ पे, यहाँ पे डेल्टा t पूछा है, क्योंकि हमसे बताया लॉस और गेन, तो यहाँ से देखेंगे t=t+th/re, हमसे t-t, यही तो लूज और गेन होगा, t/r यही तो है लूज और गेन डेल्टा t। तो t/s कितना देखा है 200 अपॉन r कितना देखा है 6.4×10⁶, और टाइम यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे टाइम कितना पूछा है, यहाँ पे वन डे कितना टाइम कितना रखना है वन डे, तो वन डे में और सेकंड में आ रहा है आंसर, सब आंसर किस में आ रहा है सेकंड में, तो वन डे, वन डे में मतलब कितना 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 200 अपॉन इसको क्या करें 6.4×10⁶, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 0 ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो केवल यहाँ पे 100 बचेगा, तो 100 यहाँ पे काम करते हैं यहाँ से इसको 24×36×2/6.4×100 आएगा। अभी 100 को क्या दो पॉइंट लगा देते, एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे 2.4×3.6×2 से इसको डिवाइड कर देंगे 3.2, तो ये लगभग क्या जा रहा है वन टाइम के आसपास 2.4 मतलब 2 पॉइंट के समथिंग आ रहा है, कितना जा रहा है 2.7 सेकेंड, इट विल लूज कितना 2 पॉइंट, इसको क्या दिख रहा है ना ये, क्योंकि ये हमने दो से सीधा काटा है 2/6.4 = 3.2, तो ये कितना वन टाइम के आसपास जा रहा है 2.4×1 2.1, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इससे तो 2.7 सेकेंड, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। If masses of the plates are 2m and m, तो इसका मास
2m दे रखा है, इसका मास m दे रखा है, एंड देयर एजेस आर ए एंड 2a, लेकिन s क्या है, इसका a इसका 2a, ये कैलकुलेशन यहाँ पे फंसाने के लिए क्या है कि आप यहाँ पे गलती करो. देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड द पॉइंट O, तो O से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सीएम निकालेंगे. एक्सीएम के लिए पहले इसका x और y पोजिशन दोनों के पता होना चाहिए ना. इस पॉइंट के लिए यहीं पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, और ये पोजिशन होगा कितना, x कितना होगा ए बाय टू, और y कितना होगा ए बाय टू. इसका क्या आएगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ आएगा. इसका मास बोलना मत m है, इसका इसका मास 2m है और इसका मास m है. तो इसके लिए ये जो आएगा, इसका जो आएगा सेंटर ऑफ मास, इसके लिए आएगा x कितना हो जाएगा a प्लस ए बाय ए प्लस होती है कितना देखा है 2 है ना, तो ये 2a का कितना हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा खाली a, और ये पहले से कितना है a, तो यहाँ पे x ध्यान से रखना 2a. और y क्या हो जाएगा, y तो सिंपल क्या है a ही है. अब हम लोग लिख देंगे एक्सीएम, पहले निकालेंगे एक्सीएम. एक्सीएम क्या होगा, एक्स के अलॉन्ग सब कुछ करना है अपनों को. तो पहले का देखेंगे 2m मास है, और ये कितना है a बाय टू, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे m, और ये कितना हो जाएगा 2 है. टोटल मास कितना होगा 3m. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और m a प्लस 2m है 3m है, 3m a अपॉन 3m क्या हो गया कैंसिल. तो xcm कितना आया खाली a आया, और यहाँ पे ऐसे xcm के क्योंकि एक ही दे रखा है तो यहाँ से सीधा सीधा ऑप्शन भी बन सकता है अभी, लेकिन ycm एक बार चेक कर लेते हैं. ycm कितना आएगा, y से मतलब y वाला लेंगे, इसका क्या पॉजिटिव, तो इसका 2m into a by 2, ये हो गया प्लस साइन में ऊपर, लेकिन ये क्या है नीचे, इसका ध्यान से करना है नेगेटिव. इसको करेंगे जब हम लोग, तो ये कितना नीचे है यहाँ पे a नीचे है, और मास कितना है m, m into a upon कितना टोटल मास 3m. तो ये क्या 2 से 2 कैंसिल, m माइनस m में क्या 0, इसीलिए उसने दे भी नहीं रखा है. ycm क्या है 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सेंड, अगर पूछा जाए यहाँ पे बताओ कितना है, तो a और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो खाली ये दे रखा है xcm, तो क्या हो जाएगा b ऑप्शन हो जाएगा. इन अ स्टेशनरी वेव रिप्रेजेंटेड बाय y = 2a cos kx sin ωt, द इंटेंसिटी ऑफ द सर्टेन पॉइंट इज मैक्सिमम है. अब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पे डिपेंड करती है. क्या दे रखा है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड कौन सा है यहाँ पे, यही तो है क्योंकि हमें पता है स्टेशनरी, यहाँ पे मैंने इसी वजह से क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड 2a cos kx. स्टेशनरी वेव का जो होता है एम्पलीट्यूड, वो x पोजिशन के साथ क्या होता है चेंज होता है, ऐसे ही तो होता है कुछ अपना स्टेशनरी वेव जो होता है, ऐसे ही तो होता है कुछ, यहाँ का x के अलॉन्ग x के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है चेंज होता रहता है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है चेंज होता रहता है, तो x के अलॉन्ग चेंज. तो ये बताना है कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी जब ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम. अच्छा स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो कॉस के दो वैल्यू, एक होती है माइनस वन एक होती है प्लस वन, दोनों रख दें तब भी स्क्वायर में क्या आएगा सेम ही आना है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो दोनों सेम ही है, कि माइनस वन भी रखेंगे अगर मिनिमम वैल्यू भी रख देते हैं कॉस एक्स के तब भी क्या आएगा स्क्वायर करके तब भी क्या आना है प्लस ही आना है. तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो दोनों ऑप्शन ही मैच कर रहे हैं अपने, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होता है मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ही रखें, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्लस वन, तो वो भी मैक्सिमम कब होगा जब ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम मतलब प्लस वन ही होगी. मिनिमम भी होगी तब भी ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मिनिमम पे भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट इसने अगर ऐसे ऑप्शन कुछ आ जाए तो हम सीधा सीधा एक सीक्वेंस चलेंगे कि कब मैक्सिमम होगा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा जब कॉस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, बस ऐसे कर देंगे ये. लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि अगर मिनिमम भी लेंगे माइनस वन भी तब भी क्या स्क्वायर फॉर्म में है ना प्लस ही बनना है वो, तो लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कौन सा आएगा ए ऑप्शन जाएगा. अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ होमोजेनस मटेरियल हैविंग ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एज शोन इन द फिगर हैव द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे बताना है फॉर द सेंस ऑफ करंट अलॉन्ग, पहले करंट कहाँ जानी है एक्स के अलॉन्ग, फिर दूसरी करंट जानी है, ये हमें बताना है एक्स के अलॉन्ग जा रहा है करंट, तो इसके अलॉन्ग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. हम लोग सिंपल पहले रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाय ए, तो ये तो मटेरियल सेम ये हो जाएगा, तो आर किस पे डिपेंड है एल बाय ए पे डिपेंड है. तो इसके लिए अगर लेंथ देखेंगे लेंथ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ना, आर एक्स के अलॉन्ग लेंथ कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, क्रॉस ये एरिया जहाँ से करंट निकलेगी कितनी हो जाएगी बी सी, ये आर एक्स के अलॉन्ग हो गई, दूसरी आर वाई के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग अगर देखेंगे आर वाई के अलॉन्ग, तो इसके लिए हम लोग लेंथ कितना लेंगे ये लेंथ लेंगे ना सिंपल यही वाला लेंथ लेंगे, करंट यहीं जा रही है तो ये वाली लेंथ कितनी है सी है, लेकिन ये एरिया कितनी हो जहाँ से करंट ये वाली यहीं से तो एरिया करंट निकलेगी, तो कितना हो जाएगा ये एरिया बी इंटू ए, तीसरी करंट हमें
जेड के अलोंग निकाल दिए इसके, तो इसके अलोंग ये लेंथ कितनी हो जाएगी बी, तो आर जेड कितना हो जाएगा बी अपॉन, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसके अलोंग निकलेगा ना ये, तो ए इंटू क्या हो जाएगा सी। तो हमें रेशियो बताना है अब सिंपल, क्या बताना हमको रेशियो, तो हम लोग देख देंगे आर एक्स रेशियो आर वाई रेशियो आर जेड क्या है यहाँ पे, ए बाय बी सी और रेशियो सी बाय बी ए, और रेशियो कितना है बी बाय ए सी आया है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर ये पूरे, अगर इसके पूरी क्यूबॉइड की बात करें जो भी क्यूबॉइड था, इसका वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट है ना, तो सब में वॉल्यूम क्या रखना है कॉन्स्टेंट रखना है, वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू बी इंटू सी, वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू बी इंटू सी। तो हम लोग क्या करेंगे नीचे वाले टर्म को किस में चेंज कर दे, वॉल्यूम में ऐसे यहीं से कर सकते थे आर स्क्वायर टू एल स्क्वायर बाय वी, वी सब में क्या कॉन्स्टेंट सीधा सीधा एल स्क्वायर लेंथ पे डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किस से मल्टीप्लाई करेंगे ए से ऊपर नीचे बी सी ए, यहाँ पे किससे सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए सी, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी से ए सी बी, तो ये क्या है सब में कॉमन है वॉल्यूम कट जाएगा, तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है हम लोग को जनरली क्या होती है टेंडेंसी ए बी सी पढ़ने की, यहीं पे गलत हो सकता है ये, हम लोग जानबूझ के आंसर भी क्या मारते हैं तीसरा ऑप्शन दे रखा नहीं कहाँ डी ऑप्शन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करिएगा कौन सा ऑप्शन गया डी ऑप्शन। The acceleration displacement graph of a particle exhibiting simple harmonic motion is shown in the figure. Acceleration दे रखा है distance, वैसे क्या होता है a बराबर माइनस ओमगा स्क्वायर इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी पूछा है ओमगा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी तो अपने आप आ जाएगी ना, तो यहाँ से दिख रहा है हमें tan थीटा a by x क्या है यहाँ पे माइनस ओमगा स्क्वायर यही तो है, तो tan थीटा a by x कर देंगे तो 20 by माइनस टू, या फिर यहाँ पे माइनस 20 बाई टू कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 20 बाय माइनस टू माइनस ओमगा स्क्वायर, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ओमगा स्क्वायर कितना आया ओमगा स्क्वायर आया 10 आया, तो ओमगा की वैल्यू कितनी आई रूट 10 आई, ओमगा क्या होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होगा 2 बाय एफ रूट 10, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी रूट 10 बाय 2 बाय। अब यहाँ पे कोई आंसर हमारा मैच ही नहीं कर रहा है, इस चेंज करिए ना पहले इसको, अब इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई के, पाई क्या पाई तो बाहर ही आ रहा है पाई 1 बाय पाई, तो ये 10 बाय 2 अंदर जाएगा क्या बनेगा 4, तो अब आया कितना आया रूट 2.5, तो क्या हो जाएगा पहले ही ऑप्शन हो गया मैच हो गया, बस इसीलिए क्वेश्चन रखा गया था यहाँ पे कि ये जो ऑप्शन है इसको मैच करना है ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी मीडियम लेवल के क्वेश्चन थोड़े बहुत लगते हैं कि टफ है लेकिन कुछ है नहीं इनमें। इन द सीरीज एलसीआर सर्किट शोन इन द फिगर द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, तो ये किसके अक्रॉस दे रखा है रेजिस्टेंस के अलोंग दे रखा है वी आर 400 वोल्ट, और ये क्या दे रखा है यहाँ पे अभी वोल्ट को 400 वोल्ट, और ये क्या दे रखा है किसके अलोंग दे रखा है इंडक्टेंस के अलोंग वी एल दे रखा है 700, और अप्लाइड वोल्टेज कितना है ई इक्वल टू 500 रूट 2 पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस तो निकालना है लेकिन क्या निकालना है हमें पीक निकालना है यहाँ पे। अच्छा पीक निकालना है तो सबका हमें क्या करना है पीक ही लेना पड़ेगा, इसका तो चलो सोर्स का दे दिया है पीक, इसका पीक कितना होगा 400 रूट टू, इसका पीक 700 रूट टू, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे वी आर एम एस क्या होता है वी पीक अपॉन रूट टू, तो वी पीक निकालना है क्या वी आर एम एस इंटू रूट टू, ये हो गया। अब ये सिंपल है सोर्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग वी आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या वी एल जो भी बड़ा होगा यहाँ पे वी सी का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर देंगे इसका कितना देखा 500 रूट टू, तो ये हो जाएगा 500 रूट टू का स्क्वायर स्क्वायर टू वी आर कितना देखा 400 रूट टू का स्क्वायर प्लस और वी एल दे रखा है 700 रूट टू माइनस वी सी एम को निकालना है। अच्छा यहाँ से क्या पता चल रहा है 5 है 4 है तो आना कितना चाहिए पूरा मिला के 300 रूट टू आना चाहिए ना, तो कैलकुलेट कर लीजिए ये 2500 आएगा और ये कितना आएगा ये 1600 आएगा कितना 900 के आसपास, तो 902 आएगा मतलब यहाँ पे आएगा 900 इंटू 2 तो इसको स्क्वायर रूट बनेगा कितना आएगा 300 रूट टू। वैसे जनरली जब भी वी आर एम एस का देता है तो 3-4-5 ही करके दे रहा है वो, और 700 रूट टू माइनस ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और वी सी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो सिंपल वी सी कितना आ जाएगा यहाँ पे वी सी आ जाएगा 400 रूट टू, तो कैपेसिटर के अलावा कितना आया 400 रूट टू,
पीक पूछा ना, पीक तो कौन सा ऑप्शन है, डी डी ऑप्शन बी आ रहा है। मैं पूछा था तो 400 हो जाता, तो ये थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक वाला था, तुरंत हिट नहीं कर सकता ये। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम सच दैट द सेकंड पार्टिकल स्टार्ट। पहले क्या हो रहा है, कोई छोटा वाला पार्टिकल स्मॉल एम आ रहा है, बड़े वाले पार्टिकल तो क्या कर रहा है, ये स्टेशनरी था, ये किसी वेलोसिटी यू से आ रहे मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है, इसको जब कोलाइड कर रहा है तो ये रुक जा रहा है और ये चलना लग रहा है अपना वी से मान लेते चलता है। Which of the following condition is valid if the coefficient of restitution is the? तो coefficient of restitution नहीं है तो पहली बात condition बता दो। तो एक चीज़ याद रखना, e की वैल्यू तो एक से ज़्यादा होती नहीं है, तो यहाँ पे तो डी ऑप्शन चला गया। अगर कोलिजन हो तो जीरो भी नहीं हो सकता है। बचा क्या हमारे पास, दो ऑप्शन बचा। अब यहाँ पे रेशियो कैसा है ये बताना है। अब यहाँ पे अरे कौन सा, एक से ज़्यादा नहीं होगा ना, एक से ज़्यादा अगर नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जाएगा। तो हमारे पास कौन सा है, ये और ये, दोनों में बसाना है। रेशियो क्या है, उल्टा है। अब यहाँ पे देखते हैं E होता क्या है। अब वैसे सब लोग पढ़ाते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन मैं माइनस फाइनल रिलेटिव अपॉन इनिशियल रिलेटिव आप लगाइए। अब यहाँ पे रिलेटिव के अंदर कहा था जिसका भी लेंगे, अगर ए टू बी ले रहे हैं तो ये भी क्या लेंगे, ए टू बी। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच अगर आता है अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा है कि अगर नहीं भी आता है तो ये आप कर सकते हैं। माइनस फाइनल रिलेटिव अपॉन इनिशियल रिलेटिव, जो रिलेटिव ऊपर लेंगे फाइनल वही से, अब कोई भी ले लीजिए, पॉजिटिव साइन से शुरू करिए सबसे सही रहता है। मैं क्या स्मॉल एम के रिलेटिव में लेता हूँ, तो ये क्या पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी, तो मैं फर्स्ट रिलेटिव टू टू देता हूँ, तो माइनस फाइनल में चलेंगे। फर्स्ट रिलेटिव टू टू अगर लेंगे तो जीरो माइनस भी रहेगा ना, क्योंकि ये तो चल नहीं रहा है, जीरो माइनस वी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमने प्लस भी, तो ये जीरो माइनस यहाँ पे प्लस भी तो वी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर करेंगे यू इनिशियल रिलेटिव, तो ये पहले वाला रिलेटिव दिया तो यू माइनस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस वी बाय यू, क्या आएगा ये वी बाय यू, तो ये तो आ गई हमारी ई की वैल्यू, तो ई बराबर कितना हो जाएगा वी बाय यू होगा। अब वी बाय यू का रेशियो बताना, तो क्या है ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम कंजर्व कर दो। इनिशियल मोमेंटम में बात करेंगे खाली एक का आएगा एम यू, क्योंकि इसका तो क्या है जीरो है। फाइनल की बात करेंगे तो छोटे वाले का जीरो हो जाता है और इसका बड़े वाले का वी हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया वी बाय यू का रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, ये तो आएगा वी बाय यू का रेशियो। तो वी बाय यू का जगह क्या रख सकते हैं, ई इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, तो अभी बराबर रेशियो कितना है स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, या तो इसके बराबर या तो इससे कम होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच करेंगे, बस यहाँ पे ई आना चाहिए लगाने के लिए, फाइनल रिलेटिव अपॉन इनिशियल रिलेटिव। अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन है ओरिजिन से लेके कहाँ से, वन वन अलॉन्ग द पाथ एक्स इक्वल टू वाई बाय अ फोर्स, फोर्स दे रखा है, द नेट वर्क डन, वर्क डन होता गया, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई दे रखा है ना, तो यहाँ पे इसको एक्स ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वर्क एफ इन टू डी एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा एक्स लगा सकते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, उसके रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो एक्स स्क्वायर बाय टू और ये कितना एक्स क्यूब बाय थ्री, और ये वाला कहाँ से कहाँ से इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है वन से लेके कहाँ, जीरो से लेके कहाँ तक, वन तक, क्योंकि एक्स के टर्म में रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई क्या देखा सेम, तो किसी को भी कौन सा भी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या है वन, जीरो से लेके वन तक करेंगे, फाइनल क्या है वन ही करना है, वन माइनस जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाय टू, ये वन बाय थ्री। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये कन्फ्यूज कर सकता है, क्योंकि जब एक बार क्या डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे आप लोग, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई आएगा। वो ऐसा करने से अच्छा क्या है, x और y इक्वल है ना, तो इसको x ही मान लीजिए, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 5 बाय 6 जूल आएगा, कितना हो जाएगा 5 बाय 6 जूल। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ना दिया होता तो अब हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कि एक बार हम लोग x के साथ इंटीग्रेट करते हैं, एक बार y के साथ थोड़ा कर, लेकिन यहाँ पे इक्वल करने का मतलब क्या है, इसको भी हम लोग x ही मान लेते हैं ना, कि y इक्वल टू x से x ही रख दी, फिर क्या x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। A ball is released from top of the tower height h meter. कोई top of the tower है, tower की height दे रखी है, यहाँ पे h meter दे रखी है इसने। It takes t second to reach the ground. यहाँ से हम लोग क्या release करते हैं इसको, कोई mass रही होगा। ये कितना time देता है? t time देता है। What is the position of a ball in t by 3 second?
तो यहाँ पे पूछा है पोजीशन ऑफ द बॉल बताओ टी बाय 3 सेकंड, मान लेते हैं टी बाय 3 सेकंड यही तक आता है, तो हमको ये क्या बतानी है, हाइट बतानी है, ये हमको क्या बतानी है, एच डैश यही बतानी है। यहाँ पे अगर रिलीज कर दे तो इनिशियल क्या होगा, जीरो, इनिशियल क्या होगा, जीरो। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे सिंपल, हाइट अगर बतानी है तो क्या लिख सकते हैं, एच डैश इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बाय 9, नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि इनिशियल वाला क्या है जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर बात करेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या है, यू क्या है जीरो, ए की जगह क्या रख देंगे जी, तो ये आ गया एच डैश स्क्वायर टू हाफ जी टी स्क्वायर बाय 9 एच डैश, एच के टर्म में बताना है। अच्छा ये एच, ये ऊपर से लेके पूरा एच आ रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर टू हाफ जी टी स्क्वायर, बस रख देंगे हाफ जी टी स्क्वायर क्या रखेंगे एच बाय 9। तो ये एच डैश आ कहाँ से रही है, ये तो ऊपर से आ रही है ना एच बाय 9, हमें बतानी कहाँ से, सब ग्राउंड से बतानी है, तो ग्राउंड से क्या होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एच माइनस एच बाय 9, एच माइनस एच बाय 9, तो कितना हो जाएगा एच माइनस एच बाय 9 आएगा, कितना 8 एच बाय 9, ये कहाँ से आएगा ग्राउंड से आएगा, ठीक है ये कहाँ से आएगा ग्राउंड से, तो 8 एच बाय 9 कौन सा हो, बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे कभी भी अगर ये नीचे से भी हमसे पूछता है कि नीचे के टी बाय 3 सेकंड पे हाइट बताओ, ठीक है कि लास्ट टी बाय 3 सेकंड पे हमको हाइट बताओ, ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, हम क्या कोशिश करेंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे जहाँ से वेलोसिटी जीरो है वहाँ से निकाले, हम वहाँ से लेके यहाँ टी बाय 3 लास्ट सेकंड यहाँ पूछ रहा है, तो ये टाइम कितना हो जाता है 2t/3, तो हम लोग क्या करते हैं 2t/3 से ये हाइट निकाल देते, फिर उसको माइनस करते, कोशिश यही करिए जहाँ से वेलोसिटी जीरो है वहाँ से इक्वेशन लगाने की, दो इक्वेशन v इक्वल टू जी टी और क्या एक हाइट वाली हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ से वेलोसिटी जीरो है वहाँ से लगाइए, अगर वहीं का पूछा है तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, वहाँ का नहीं पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करके आधा चीज़ निकाल देंगे, ठीक है कोशिश यही करिएगा, ये ट्रिक है इसके लिए। An impulse J is applied on a ring of mass small and along a line passing through its center O. The ring is placed on a rough horizontal surface. The linear velocity of center of ring 1 is start going without tripping. बाद में क्या करना है इसको, पहले इसको impulse कितना दिया, J दिया, मान लो इसकी velocity क्या है, V है, फिर क्या हो रहा है कुछ देर के बाद, मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा है और फिर linear velocity V है, rolling motion कर रहा है, तो हमें यही बताना है V dash कितना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल एम वी हो जाएगा ना, चेंज मोमेंटम, इम्पल्स बराबर क्या होता है चेंज एम वी हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी एम वी के बराबर, अब क्या करना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दी, इनिशियल और क्या हो जाएगा फाइनल, इनिशियल कितना है एम वी इन टू आर, फाइनल कितना हो जाएगा आई इन टू ओमगा प्लस एम वी डैश इन टू आर, ओमगा किसके बराबर होगा वी बाई आर, मतलब वी डैश फाइनल एम वी डैश इन टू आर, आई रिंग है ना रिंग के लिए क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर v dash by r plus m v dash into r, एक r से एक r cancel हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2 m v dash r, 2 m v dash r और m v r, ठीक है एक r से एक r क्या हो जाएगा यहाँ पे cancel हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m v कितना दे रखा है j is equal to 2 m v dash, तो v dash कितना आया j by 2 m, तो v डैश फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी j बाय 2m, कौन सा ऑप्शन b ऑप्शन है, बस यहाँ पे यही ध्यान देना है j बराबर क्या है mv और क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, सिंपल है ये, ठीक है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखें, j इक्वल टू क्या है यहाँ पे mv है। अ हॉलो सिलेंडर है चार्ज q कूलम विद इन इट, इसके अंदर कितना है q कूलम चार्ज है, If phi is electric flux in unit of volt meter associated with the curved surface B, B के साथ कितना phi? Phi associated है, ठीक है electric flux linked with the plane, the flux linked with the plane surface A in unit volt meter will be, तो हमें इसके साथ बताना है कितना flux है phi dash। अच्छा total phi कितना होता है यहाँ पे Q by epsilon naught, ये किसके बराबर होगा surface B के वजह से और किसके वजह से A के वजह से और C के वजह से, अब B के वजह से कितना दे रखा है इसने phi दे रखा है, A के वजह से पूछा है, अच्छा ये और C का क्या है दोनों सेम आना है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 phi A लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी क्या phi A बना देते हैं, तो यहाँ पे Q by epsilon naught, तो यहाँ पे phi A खाली पूछ रखा है, तो कितना हो जाएगा Q by epsilon naught minus phi और क्या हो जाएगा 1/2 phi A, तो कौन सा ऑप्शन होगा D ऑप्शन हो जाएगा। A particle projected from ground at some angle with horizontal or assuming point of projection to be origin, पहला वाला origin दे रहा है xy axis, the particle passes the, पहले तो origin से इसको कर रहा है, फिर क्या कर रहा है the particle passes through the point 3 meter 4 meter and पहले वाला क्या पहले के लिए दे रखा है x दे रखा है और y दे रखा है,
तो इसके लिए रेखा है 3 मीटर और इसके लिए क्या रेखा है 4 मीटर। और दूसरे के लिए क्या रेखा है एक्स और वाई, इसके लिए 4, इसके लिए 3। ड्यूरिंग मोर द रेंज ऑफ पार्टिकल, तो क्या ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है सिंपल सा, वाई स्क्वायर टू क्या होता है एक्स टैन थीटा, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए 1 - x / r, यही तो होता है। पहले वाले के लिए क्या देखा है वाई 4 स्क्वायर टू 3 टैन थीटा 1 - x क्या दे रखा है 3/r, ये हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए क्या दे रखा है वाई, पहले वाले के लिए 4, दूसरे वाले के 3 दे रखा है 3, और ये कितना 4 टैन थीटा 1 - और ये 4/r। क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ये आएगा सिंपल अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 1 - 4/r और ये 9 1 - 3/r। अब रेंज चाहिए इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, रेंज आ जाएगा कितना 37.7 के समथिंग आएगा बी ऑप्शन। बस यहाँ पे ये बताना था मुझे कि ये वाला इक्वेशन जो होता है ट्रैक्टरी का यही तो इक्वेशन होता है। अच्छा ये आता किससे, वाई स्क्वायर टू एक्स टैन थीटा माइनस क्या होता है हाफ जी हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, बस यहाँ पे ट्रैक्टरी इक्वेशन होता क्या ट्रैक्टरी का एक्स टैन थीटा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। टू टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैव कॉइल ऑफ द सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अ करंट फ्लोइंग इन दैम प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, पहला डिफ्लेक्शन 60 दूसरा डिफ्लेक्शन 45 डिग्री, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। तो यहाँ पे सिंपल सा है, एक बार क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि टैन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आई के टर्म में पूछा, इस बार क्या नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में पूछा, नंबर ऑफ टर्न्स। पहली बात तो ये पता होना चाहिए क्या होता है बी स्क्वायर टू बी एच टैन थीटा, और ये होता क्या है बी म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। तो एक बार तो ये आया टैन थीटा प्रोपोर्शनल आई कह दिया था, इस बार क्या आया टैन थीटा प्रोपोर्शनल एन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा टैन 60/tan 45, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है n1/n2, टैन 60 की वैल्यू कितनी रूट थ्री और टैन 45 की वैल्यू 1, तो n1/n2 का रेशियो कितना आ गया यहाँ पे रूट थ्री, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। When a satellite moves around the earth in a certain orbit, the quantity which remains constant is, तो कैपलर लॉ क्या बोलता है, एरिया वेलोसिटी हमेशा क्या होती है कांस्टेंट होती है यहाँ पे सी, और अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम होता तो वो भी कांस्टेंट हो जाता, एंगुलर वेलोसिटी नहीं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता, ठीक है कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन एरिया वेलोसिटी। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल नंबर के फॉर्म में पूछा, नंबर के फॉर्म में एनर्जी के फॉर्म में, तो ये क्या होता है ऐसा कुछ ग्राफ रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते भी हैं, ये ग्राफ अगर ना भी याद हो तो इसको सीधा सीधा याद कर लो, ये वाला ग्राफ होता है ये ऑप्शन हो जाता है, ठीक है कि नंबर एज अ फंक्शन ऑफ नंबर क्या एनर्जी स्पेक्ट्रम बताना है हमें रेडियो एक्टिव, तो उसका क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन का भी तो ऐसे ही कुछ आता है यहाँ पे, तो कौन सा ग्राफ हो गया ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये वाला ग्राफ याद ही कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन से रिलेटेड है। A magnetic needle suspended horizontally by a unspun silk fiber oscillate in the horizontal plane because, अच्छा ये पूछा है कि कोई भी अगर magnetic needle horizontal में क्या करता है oscillate क्यों करता है, करता है क्योंकि horizontal magnetic field होता है ना अपनी तरफ क्या करती है खींचने की कोशिश करती है, वो horizontal component of the earth magnetic field। ये थियरी क्वेश्चन इसी वजह से मैंने रख दिया कि या तो इसके आंसर आप याद कर लीजिए या देख के जाइए एक बार। सोलर रेडिएशन किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है सोलर रेडिएशन, ये वाला। अ क्लॉक दैट कीप करेक्ट टाइम एट करेक्ट टाइम किस पे बताता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, सब्जेक्ट उस पे लेके किस पे गया है 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेके गया है। इन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द पेंडुलम अल्फा दे रखा है, करेक्ट टाइम बता रहा है 20 डिग्री पे लेकिन हम इसको किस पे देख रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे। द टाइम गेन और लॉस पर डे, तो हमें बताना टाइम गेन या लॉस, तो यहाँ से देखना टाइम पीरियड, फिर से वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे 2π√ एल बाई जी, अब यहाँ पे सब कुछ वैल्यू सेम है तो टाइम पीरियड इससे किससे डिपेंड, डेल्टा टी बाई टी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा हाफ डेल्टा एल बाई एल, यही तो होगा। वैसे ये तो याद भी कर लेते हैं कि डेल्टा टी बाई टी हाफ, अब यहाँ पे डेल्टा एल कैसा आता है ये एल अल्फा डेल्टा थीटा, यही तो आता है,
तो डेल्टा एल बाय एल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे टाइम गेन एंड लॉस पूछा है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। अब ये क्या हाफ हो जाएगा, कोएफिशिएंट कितना 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, डेल्टा थीटा कितना 20 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दें पर डे, पर डे मतलब क्या 24 आवर्स और क्या 3600 सेकेंड। इसको हमें सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा आंसर ये लगभग कितना आ रहा था 10.3 सेकंड्स, 10 के समथिंग आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा इसको सॉल्व करने, बस यहाँ पे ये बताना था मुझे कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये एनटीए में कई बार आ चुका है, कई पेपर्स में आ चुका है ये वाला। तो ये फार्मूला आप सीधा सीधा रट के जाइए कि आपको ये स्टेप करना ना पड़े आप लोग, ये फार्मूला। एनर्थन पिक्चर लॉसेस 1 ग्राम ऑफ वाटर पर मिनट ड्यू टू ओवरपोजिशन, ठीक है। कोई मटका है उसमें क्या है 1 ग्राम वाटर पर मिनट ये लॉस कर रहा है। इन द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द पिक्चर इज 0.5 किलोग्राम एंड द पिक्चर कंटेन्स 9.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारे पास है कुछ पिक्चर है, इसमें क्या 9.5 किलोग्राम वाटर है, इसका मास कितना है 0.5 किलोग्राम, ये और लॉस कितना कर रहा है ये 1 ग्राम ऑफ वाटर पर मिनट ये लॉस कर रहा है यहाँ पे। Then calculate the time required for the water in picture to cool to 28 degree Celsius from its original temperature of 30 degree. 30 से कहाँ लेके आना है इसको 28 degree Celsius. अच्छा ये जितना कूल होगा वही तो हीट के फॉर्म में चेंज होगा, वही तो स्टीम के फॉर्म में जाएगा, वाटर को उड़ाएगा, ये जितना कूल होगा। तो यही पूछा है, नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, पूछा है टाइम रिक्वायर्ड कितना टाइम लगेगा इसको कूल होने में। जो टाइम ये कूल होने में लगेगा वही तो क्या हो रहा है ये स्टीम के फॉर्म में वही तो उड़ेगा जो यहाँ पे कूल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या एम एच डेल्टा टी क्या कर देंगे, एम एल इक्वल टू एम एच डेल्टा टी। एम कितना ये जा रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है एम नहीं दे रखा, यहाँ पे टाइम के फॉर्म में है, तो टाइम से क्या कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे डी एम बाई डी टी करना चाहिए लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में ना जाते हुए हम लोग सीधा कर देते हैं एम बाई टी। तो एम बाई टी कितना दे रखा है 1 ग्राम पर मिनट, आंसर भी देंगे मिनट में देगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 1 ग्राम और यहाँ पे जितने वैल्यू कैलोरी पर ग्राम, तो इसको भी ग्राम में नहीं, बस हाँ किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देना। तो एम बाई टी दे रखा है, ये टाइम हमको निकालना है, ये दे रखा है 1। एल कितना दे रखा है यहाँ पे लेटेंट हीट 580 और ये एम कितना गर्म हो रहा है, ये दोनों गर्म होंगे ना, ये पॉट भी गर्म होगा और ये क्या होगा 9.5 किलोग्राम, वाटर भी देखो 10 किलोग्राम और ग्राम में 10 to power 3। एस स्पेसिफिक हीट कितना 1 कैलोरी हो जाएगा ग्राम पर। अच्छा ये मैंने एल कैलोरी और इसको कैलोरी में क्यों, क्योंकि दोनों कैलोरी कट जाएंगे, मतलब नहीं है इसको कोई जूल में कन्वर्ट करने का। डेल्टा टी कितना 2 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है कन्वर्जन, टी निकालना है तो ये हो जाएगा 100 × 1000 2/580, तो जीरो से जीरो चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2000/58। इसको अगर अप्रोक्स हम लोग 60 मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग अप्रोक्स 60 अगर मान लें तो ये जीरो से जीरो, तो 200/6 100/3 तो कितना 34.5 के समथिंग 33 आएगा ना, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं अगर 66 मान के चलते हैं तो वैल्यू हमने क्या किया बड़ा माना है, तो वैल्यू थोड़ी सी क्या आएगी बढ़ के आएगी, तो कितने 34.5 मिनट। अ सिलेंडर का कैपेसिटर हैज चार्ज क्यू एंड लेंथ एल, इफ बोथ द चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर आर डबल बाय केपी, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का पहली बात तो कैपेसिटेंस पता होना चाहिए क्या होगा इसके लिए, इसीलिए सवाल मैंने यहाँ पे रखा है कि क्या होता है यहाँ पे 2πε₀ln₁ ln√ ये होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स का। अच्छा स्फेरिकल का क्या होता है, स्फेरिकल का तो सबको पता होगा 4πε₀ln√ r, अगर ये नहीं याद है तो इसको तो याद ही होना चाहिए आप लोग को, लेकिन सिलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है एनटीए में इसीलिए मैं इसको बता, और कुछ नहीं याद है तो ये पता कर ले सिलेंड्रिकल के लिए लेंथ के क्या होता है कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या पूछा है इसने, लेंथ को भी डबल कर रहे हैं, चार्ज को भी क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, तो पूछा है एनर्जी स्टोर। अच्छा एनर्जी क्या होगी चार्ज के फॉर्म में, q²/2c, तो यहाँ पे क्या चार्ज को डबल करेंगे एनर्जी क्या होगा 4 times होगा ना एनर्जी 4 times, इसको अगर डबल करने पर ये 4 times और लेंथ अगर डबल करेंगे कैपेसिटेंस भी क्या होगा 2 times डिवाइड करेंगे एनर्जी कितनी आएगी 2 times बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी ये 2 times बढ़ जाएगी, कौन सा हो जाएगा इंक्रीज 2 times, ध्यान से करिएगा ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज अगर डबल करेंगे
तो ये एनर्जी कितना होगा, 4 टाइम होगा। लेकिन अगर लेंथ डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डबल, तो ये भी वैल्यू दो टाइम्स होगी। तो ये क्या होगी, ये घटा देगी और ये क्या होगी, बढ़ा देगी। नेट कितना आएगा, 2 टाइम्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। द रिफ्लेक्टेंस एंड एमिटेंस ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी आर रेस्पेक्टिवली। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब और एमिट, ये वन करती है, रिफ्लेक्ट तो करती ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेंस हो 0 और ये एमिटेंस और क्या एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 1 होता है, ये ऑप्शन ही हो जाएगा अपना। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है ब्लैक बॉडी। थियरी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा। अ बॉडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हाइल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहा है रोटेशनल हो क्या ट्रांसलेशनल, दोनों सेम है। रोटेशनल एनर्जी होगी कितनी, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होगी, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो होगी। और हाफ ये क्या होता है, एम वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये तो होगी रोटेशनल वाली अपनी। ठीक है, और ट्रांसलेशनल वाली क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या बोला है, दोनों के दोनों क्या इक्वल है, तो ये इक्वल होंगे मतलब इनका रेशियो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आएगा, सिंपल 1। और ये किसके लिए होता है, रिंग के लिए होता है, सिंपल सी ऑप्शन। और यहाँ से देख भी सकते हैं डिस्क और सिलेंडर, अगर फिजिक्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा है सॉलिड क्या, जब तक कहाँ ना हो तब तक हम लोग सॉलिड लेके चलेंगे। तो सॉलिड, सिलेंडर और डिस्क क्या हो जाएगा, तो दोनों के लिए के स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। तो ये दोनों तो ऐसे चले गए, और स्फीयर का पता ही होता है 2/5, तो कौन सा ऑप्शन गया, सी ऑप्शन चला गया, 1 आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वी माइनस वी बी, मतलब ए और बी के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तरीके तो हमारे पास कहीं पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या पता होना चाहिए, पहले करंट पता होना चाहिए। तो हम लोग जनरली क्या है, अगर कम टाइम में सॉल्व करना है, किरचॉफ लॉ कहीं से भी लगा सकते हैं। किरचॉफ लॉ क्या है, लगा दीजिए कहीं से भी। तो हम लोग क्या करते हैं, वी ए से चलना शुरू करेंगे, बी वी तक जाएंगे, वी ए। अब किरचॉफ लॉ क्या कहता है, अगर वोल्टेज अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप करना है, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो क्या करना है, हमें गेन करना है। यहाँ पे करंट का तो कोई है नहीं, बैटरी सब कुछ कनेक्ट है। और बैटरी से रिलेटेड क्या कह रहा है कि प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लगा के करिए। प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, माइनस टू। इसमें भी क्या जा रहा है, इस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, इसमें प्लस से माइनस, माइनस सिक्स, और ये क्या, माइनस से प्लस, तो प्लस फोर। फिर क्या जाएगा, वी पी पे जाके पूरा ड्रॉप कर देंगे इसको। हमसे पूछा गया वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एट प्लस फोर, तो यहाँ पे माइनस फोर, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस फोर वोल्ट। तो कितना आएगा, प्लस फोर, बी ऑप्शन हो जाएगा। किरचॉफ लॉ यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। लिखा है टू लार्ज इंसुलेटिंग प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है, प्लस सिग्मा माइनस, फिक्स एज अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे दो लार्ज इंसुलेटिंग प्लेट दे रखे हैं। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज अटैच्ड, यहाँ पे एक स्प्रिंग था, इससे क्या स्मॉल चार्ज रख दिया गया इसमें। टू आइडेंटिकल स्पेयर शोन इन द फिगर, द चार्ज क्यू इज नॉट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, क्यू को क्या करते हैं, इसको रेस्ट से रिलीज करते हैं विद द स्प्रिंग नेचुरल एंड देन क्यू विल। तो यहाँ पे कुछ SSM से रिलेटेड है कि इसका टाइम पीरियड बताना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है, क्या बताना है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो ये देखना, पहला ऑप्शन ही जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाई एम, ओमेगा बराबर के बाई एम तो होता है, लेकिन के इक्विवेलेंट बाई एम होता है। वो के इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे 2k हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन तो गया। दूसरा परफॉर्म SSM विद एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और फोर्स, अब यहाँ पे फोर्स देखना है, इंसुलेटिंग प्लेट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा ये क्या हो जाएगा, फोर्स हमेशा क्या होता है, माइनस ही होगा ना यहाँ पे, क्योंकि अगर पार्टिकल इधर जाएगा स्प्रिंग कहाँ लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा, माइनस के इंटू एक्स एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे देखेंगे के, के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे भी, तो यही ध्यान रखना, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपना, क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2k, तो ये क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये दे भी रखा है, क्यू सिग्मा बाय 2k एप्सिलॉन नॉट, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्या स्टेशनरी तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब SSM तो करने वाला है, इतना तो कंफर्म है। अब एम्पलीट्यूड ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट के बाय, अगर यहाँ पे 2 km होता तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता था, के इक्विवेलेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 1 liter ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर ऑफ 1 atm एंड 2 liter ऑफ नाइट्रोजन एट ए प्रेशर ऑफ 0.5 atm। ऑक्सीजन 1 liter है, प्रेशर इसका दे रखा है 1 atm, और नाइट्रोजन 2 liter प्रेशर दे रखा है, इतना 0.5। इंट्रोड्यूस इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 1 liter, इसको किस वेसल में डाला जाता है, 1 liter पे,
इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो पहली बात तो मोल क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, और क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, टेम्परेचर सेम है आर सेम है, तो मोल किसके प्रोपोर्शनल वी के, तो पी जो फाइनल आएगा अपना और वी जो फाइनल है क्या आएगा, ये पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू। अब पी वन देख लेते हैं, पहले वाले का प्रेशर 180 ml, 1:1। दूसरे वाले का क्या देखा है, प्रेशर 0.5, लेकिन ये 2 लीटर के दे रखा है। और पी फाइनल बताना, वी फाइनल कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 लीटर कर देंगे यहाँ पे, पी फाइनल कितना आ जाएगा, ये भी कितना 0.5 × 2 कितना 1, वो 1 प्लस कितना 2 आ जाएगा, कितना आएगा पी फाइनल 2 ATM। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर दिया था, फाइनल हमने 1 रखा, और 0.5 × 2 1 + 1 2/1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। The coil of a moving coil galvanometer is wound around a metal frame in order to. A moving coil के अलावा जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको, यहाँ से क्या एडी करंट प्रोड्यूस करने का, एडी करंट क्या करती है, प्रोवाइड मैग्नेटिक डैम्पिंग कराती है, ठीक है, प्रोवाइड मैग्नेटिक डैम्पिंग, रेड्यूस हिस्टेरेसिस तो करेगा नहीं, तो और हिस्टेरेसिस होता है कि एनर्जी लॉस ना, ये तो और बढ़ा देगा, ये तो करेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये एडी करंट की वजह से, ठीक है, एडी करंट की वजह से प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इन YDSE एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटीज एट टू पॉइंट P1 एंड P2 ऑन द स्क्रीन आर I1 एंड I2। इफ P1 इज लोकेटेड एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड P2 इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द, तो I1 तो कंफर्म है, I1 क्या होना है, I1 तो होना है जो भी होगा 4I0 हो जाएगा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज। I2 कितना हो जाएगा, I2 कितना है यहाँ पे 4I0 cos स्क्वायर फाइव, कितना लोकेटेड है क्वार्टर ऑफ द फ्रिंज, क्या लिखते हैं फाइव वाई वाई बीटा, अब y की वैल्यू कितनी है, क्वार्टर ऑफ द फ्रिंज विद cos स्क्वायर, ये क्या रख देंगे पाई बाय बीटा बाय 4 इनटू बीटा, तो कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाय कितना है 45 डिग्री, cos स्क्वायर cos 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2, तो 4I0 बाय यहाँ पे सिंपल क्या है 2 आ जाएगा I2। अब किसका रेशियो पूछा, I1 बाय I2 का रेशियो पूछ रखा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हमारा I1 है, तो I2 इक्वल टू I1 बाय 2, और क्या पूछा I1 बाय I2, तो इसको इधर लिखें क्या आएगा सिंपल I1 बाय I2 क्या आ जाएगा 2, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर पाई y बाय बीटा, ये क्या होता है इसकी फ्रिंज विड्थ होती है, और ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है, तो सेंट्रल यहाँ पे क्या देखा फ्रिंज विड्थ कितना है क्वार्टर है, तो इसको हमने क्या करते हैं बीटा बाय 4, तो आंसर 2, वरना इसका लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पहले I1 फिर I2 निकालो इसका। वाटर राइज अप टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर, h हाइट दिया है कुछ डायमीटर के अलोंग, दिस कैपिलरी ट्यूब इज रिप्लेस्ड बाय सिमिलर ट्यूब ऑफ हाफ द डायमीटर, नाउ वाटर विल राइज अप टू, तो ये क्या पढ़ते हैं हम लोग, ρgh इक्वल टू क्या पढ़ते हैं 2t cos थीटा बाय r, यही तो पढ़ते हैं, तो s कैसा प्रोपोर्शनल है 1/r, तो अगर रेडियस हम लोग डायमीटर अगर आधा करें रेडियस क्या होगा आधा, तो हाइट कितनी चढ़ेगा ट्वाइस नहीं चढ़ेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बस इस वजह से रखा था कि यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है ये वाला। इन द फिगर स्मूथ पुली ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस, मासेस 1 kg 5 kg अटैच्ड टू द अपोजिट एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली एंड मूव विद सम एक्सेलरेशन, वो 5 kg 1 kg का मास दे रखा है, इससे स्प्रिंग बैलेंस लगाया गया है, ड्यूरिंग द मोशन द स्प्रिंग बैलेंस नीड्स अ वेट, तो यहाँ पे कितना किलोग्राम, किलोग्राम के फॉर्म में बताना कितना रीड करेगा, हमें तो सीधा जाए इसका टेंशन का फॉर्मूला याद ही होता है ना, कितना होता है ये टेंशन 2m1 m2 / m1 + m2 × g, और जी के फॉर्म में तो हमें बताना ही है, इसको ले चाहे ना ले कोई मतलब नहीं है, तो ये स्प्रिंग पे कितना आएगा 2t आएगा ना स्प्रिंग पे, तो इसका ट्वाइस कर देंगे, मतलब क्या स्प्रिंग वाला जो टी डैश आएगा वो कितना आ जाएगा 4m1 m2 / m1 + m2 × g, अब देखना है यहाँ पे 4m1 कितना है 5 1 है और ये कितना 6 × g, कितना आ जाएगा 20/6, तो 10/3 × g, और किलोग्राम के फॉर्म में बताना है खाली यही लेंगे ना, कितना आएगा 3.3 के समथिंग आएगा, मतलब क्या लेस देन 6 kg है, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन है, जी के फॉर्म में हमें बताना ही है क्योंकि किलोग्राम फोर्स है, जी के फॉर्म में बताना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा लेस देन 6 kgf। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m 10 to power minus 2 kg इज मूविंग इन अ मीडियम एंड एक्सपीरियंस द फ्रिक्शनल फोर्स
फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है माइनस के वी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इज इनिशियल स्पीड दे रखा है आफ्टर 10 सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। सिंपल यहाँ पे अगर फोर्स दिख रहा हो के वी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी दे रखा है तो कुछ वेलोसिटी के टर्म में फोर्स को चेंज करना पड़ेगा, क्या होगा एम डी वी बाय क्या हो जाएगा डी टी और माइनस के वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम डी वी बाय वी स्क्वायर और माइनस के डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, ये वी स्क्वायर है इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। अरे यहाँ से वेलोसिटी के टर्म में कहाँ से कहाँ तक 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी हो रही है 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी हो रही है हाफ एम वी, मान लेते वी स्क्वायर या हाफ 1/8 है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे क्या आएगा 4 आएगा ना यहाँ पे, तो वी नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर, तो यहाँ पे वी डैश हो कितना रहा है वी नॉट बाय 2, कितनी हो जाए वेलोसिटी आधी हो जाते, तो इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे वी नॉट से लेके कहाँ तक वी नॉट बाय 2, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट, इसको क्या 0 से लेके 10 सेकंड तक इंटीग्रेट करना है, क्योंकि 10 सेकंड तक इंटीग्रेट इसको कर देंगे। अब जो भी यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू, अब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन ही है, कर देते थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे एम, ये वी क्या जाएगा माइनस टू ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन वी पे पावर माइनस वन अपॉन, और ये क्या आ जाएगा माइनस वन नीचे आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट है ये वी के कहाँ से कहाँ तक होगी वी नॉट से वी नॉट बाय टू इक्वल टू, और ये क्या आएगा माइनस के टी, और जीरो से लेके 10 सेकेंड। अब सिंपल है यहाँ पे, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एम बाय वी, और ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया के और टी हो जाएगा, टी सिंपल 10 हो जाएगा। अब वी क्या रखा है, वी एक बार क्या रखना है वी नॉट रखना, फिर दूसरी बार क्या है वी नॉट बाय 2 रखना है, तो यहाँ से जो भी के की वैल्यू आंसर हो लगभग ये आता है 10^-4 किलोग्राम। बस यहाँ पे मुझे ये बताना था कि ये इंटीग्रेशन जो होता है वी नॉट से कहाँ तक कहाँ तक वी नॉट बाय 2, यहाँ से पता करना है कि कितने हो रहे वेलोसिटी, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में था। देखा है बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड ए देखा है, टाइम पीरियड टी देखा है, फिगर शो पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, क्या पूछा है यहाँ पे व्हिच ऑफ ग्राफ अप्रोप्रिएट, एसिलेशन ऑफ द बॉडी इज एफ, तो एसिलेशन टाइम, अच्छा पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एसिलेशन में रिलेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, पोजिशन और एसिलेशन में क्या होता है माइनस होता है ना यहाँ पे, तो देख लेने पहली बात तो ये है, तो इसका उल्टा क्या होगा माइनस साइन, ये तो होगा नहीं स्ट्रेट लाइन आएगा भी, तो कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, पोजीशन का ग्राफ कैसा होगा एसिलेशन का माइनस होगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। इट इज डिजायर टू मेक अ कन्वर्जिंग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मीन फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर बाय यूजिंग टू लेंसेज ऑफ मटेरियल ए एंड बी, इफ द डिस्पर्सिव पावर ए और बी का कितना दे रहा है डिस्पर्सिव पावर 1:2, डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या दे रखा है ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये होता कितना है माइनस F1/F2, या फिर कह सकते हैं इसको माइनस P2/P1, यहाँ से कहीं से भी सवाल पूछ सकता है ये, तो हमें क्या दे रखा है ओमेगा 1/ओमेगा 2 दे रखा है, और मीन फोकल लेंथ मतलब का कॉम्बिनेशन का दे रखा है 1/F दे रखा है यहाँ पे 1/F1 प्लस 1/F2, तो यहाँ पे क्या आएगा रेशियो आएगा, तो यहाँ से अगर देखेंगे F1/F2 का रेशियो आएगा -1/2, यही आएगा ना, तो यहाँ से F1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं F2 बराबर क्या लिख सकते हैं -2F1, तो यहाँ से क्या कर देंगे F2 को रिप्लेस कर देंगे, F2 को रिप्लेस कर -F1 और ये -2F1, तो इसके लिए भी एक माइनस क्या है एक माइनस क्या आधा है ना, तो यहाँ पे 1/2F1 ही आएगा, ठीक है 1/F, तो यहाँ से एफ कितना देगा 50, और इसको क्या करेंगे F1 निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 2F1 इक्वल टू F, तो F1 कितना है यहाँ से 50/2, तो कितना आएगा 25 आएगा 25 सेंटीमीटर, तो F1 अगर 25 है तो F2 कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से -50 होगा, कौन सा 25 और 50, वैसे ही पता है कि यहाँ पे क्या कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस, वैसे दे भी देखा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, पहला कॉन्वेक्स ही पूछा हमने, F1 निकाला भी है पॉजिटिव आया कॉन्वेक्स ही है ये, इसको थोड़ा ध्यान से करना कैलकुलेशन। A projectile is thrown with velocity u ±5% at an angle 60 degree. If the projectile come back on the ground at the same level, then which of the following can be possible answer of for range? Cannot be possible. ठीक है? अगर हम लोग क्या कर रहे हैं velocity को 20 m/s plus minus, मतलब ये है या तो 20 m/s, अच्छा इसका पहली बात तो ये देखने कितना होता है 5%, 100 से आएगा कितना होगा 1 आएगा ना ये लगभग, तो एक या तो हम इसको 21 और या तो फिर 19, ठीक है 19 से फेंक सकते हैं या फिर 21 से फेंकते हैं, तो हमें बताना है रेंज, मतलब दोनों रेंज के बीच में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है कौन कौन सी नहीं हो सकती है, तो कौन सी नहीं हो सकती है हमें खाली ये बताना है, तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि पहले हम लोग R1 निकाल ले,
यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी से पहले एक बार 19 रख लें, फिर एक बार क्या रख लें 21 रख लें, दो जो भी दो वैल्यू आएगी उसके बीच में चेक कर लेते, जो जो होगी वो रेंज की पॉसिबल वैल्यू है और जो नहीं होगी वो क्या होगी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, या फिर क्या है हमारे पास प्लस माइनस 5% है, यहाँ पे सीधा सीधा रेंज से देख लेते हैं। डेल्टा आर बाय आर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डेल्टा u बाय u हो जाएगा ना, 2 डेल्टा u बाय, ये कितना है 5, तो रेंज क्या हो सकता है 10%, मतलब जो भी हमारी रेंज की वैल्यू आएगी उसमें क्या हो सकता है प्लस माइनस 10%, तो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यू स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, और साइन कितना दे रखा है एंगल 60 मतलब साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी √3/2g की वैल्यू क्या हो 10 हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कितना है 20√3, तो ये लगभग कितना आएगा 1.7 इंटू 20 अगर करते हैं हम लोग तो कितना 34 मीटर के आसपास आएगा। अब प्लस माइनस 10% कह सकते हैं, तो जो आर आएगा वो क्या आएगा 34 समथिंग आएगा प्लस माइनस 10%, तो हम लोग क्या लगते हैं आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ से, पहली बात तो 34 का 10% कितना होगा 3.4 होगा ना 3.4 मीटर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 34 माइनस 3.4 मतलब 30 के समथिंग आएगा, और ये वाला 34 प्लस 3.1 मतलब 37.4 के समथिंग आएगा, मतलब हमारी रेंज क्या है इसी के बीच में आएगी, ये हमारी रेंज के बीच की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके अलावा जो नहीं दिया ऑप्शन में, अरे इसके अलावा जो मतलब ये रेंज के बीच में नहीं दिया तो क्या हो जाएगा वही रेंज की पॉसिबल वैल्यू नहीं हो जाएगी, मतलब नॉट क्या नॉट भी पॉसिबल वैल्यू, रेंज हमारी 30 और 37 के बीच में आने की है, तो 34 या 37 या 32 कौन सी हो जाएगी 39, नहीं 39 क्या हो रेंज से हमारे बाहर चली जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो पहले आप 19 और 20 करके करिए, 19 करके करेंगे एक अलग वैल्यू है 30 के आसपास ही आती है, और 21 करके करेंगे तब भी 37 के बीच में ही आएगी रेंज की वैल्यू, ठीक है, या तो फिर एरर से, वैसे प्लस माइनस 5% कहीं 5% उससे कम दिखे तो एरर पे जाना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्ज इन अ लिक्विड व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है म्यू लेंस और म्यू सराउंडिंग माइनस 1, और यहाँ पे जो भी होता है 1/r1 - 1/r2 जो भी होता है यहाँ पे, इससे हमें नहीं मतलब है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल होगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1 - 1 0, तो 1/f = 0, तो f क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, क्या हो जाएगा बिकम इनफाइनाइट, किसके तरह एक्ट करेगा प्लेन मिरर। After a perfectly elastic collision between two identical particles which were moving with same speed, identical है m mass है, दोनों के दोनों same speed से भी जा रहे हैं लेकिन different direction, the speed of the particle become half the initial speed, अब क्या हो रहा है half हो जा रहा है इनका initial speed, the angle between the velocity of the two particles before collision, तो हमें बताना है before collision, elastic हो वैसे भी angular momentum तो conserve ही रहने वाला है, तो हम लोग क्या रख सकते हैं initial वाला और final वाला angular momentum conserve, final वाला क्या होगा mv/2 और mv/2, क्योंकि यहाँ पे बताया हाफ हो जा रहा है सेम डायरेक्शन में, लेकिन इनिशियल क्या है कुछ थीटा एंगल से आ रहा है, तो थीटा एंगल से अगर आ रहा है तो इनिशियल हम लोग क्या लिखेंगे P1 square plus P2 square plus 2 P1 P2 cos theta, यही तो लिखेंगे, और क्या हो जाएगा रूट, और ये क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा खाली, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ पे पी वन क्या हो जाएगा, ये भी एम बी स्क्वायर, ये भी मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब दो एंगल कितने पे है ये थीटा, अच्छा एडिशन कितना होता है वैसे भी हमको पता है 2p cos theta/2 स्क्वायर टू क्या है एम बी, और पी क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2 cos theta/2 स्क्वायर टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो cos theta/2 = 1/2, तो theta/2 कितना हो जाएगा 60, तो theta कितना आ जाएगा 120 डिग्री, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लगा सकते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन होता तो 2p sin theta/2 हो जाता। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg अटैच टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर, ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोई ऐसे ब्लॉक था अपना, उसको ये ओरिजिन मान लिया गया है, इसको यहाँ से 5 सेंटीमीटर खिसका के यहाँ लेके आते आ जाते हैं, और ये कह रहा है टाइम 0 है, ठीक है t = 0 कह दिया फ्रॉम रेस्ट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम, तो ओरिजिन से लेके गया है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमें पता है कि x = क्या होता है, ऐसे जनरल इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा होता है, ये क्या होता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज क्या जब टाइम 0 है, तो t = 0 पे क्या आ रहा है अपने अपने क्या हो रहा है मीन पोजीशन से कितना आ रहा है 5 तो आ रहा है, क्योंकि यही क्या हो जाएगा अपना एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया 5 sin ओमेगा, ओमेगा क्या होता है यहाँ पे √k/m
तो k की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 50, और ये कितना दे रखा है 2, तो ये कितना रूट 25, कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5t प्लस, और ये कितना है t बराबर 0 पे पहले से कितना है पाई बाय 2 पे, तो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 5 sin 5t प्लस 5 बाय 2, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। काफ़ी ध्यान से करिए ये वाला क्वेश्चन। An intense stream of water of cross section area is strike a wall at an angle theta with the normal to the wall. ये अपना wall था, यहाँ से normal खींचा गया और जो पानी आ रहा है हमारा वो normal से theta बना रहा है। ये vertical से बोला था तो वो theta, ये normal से theta बना रहा है। If the density of water is rho and the velocity v, then the force exerted by the wall. तो force क्या होता है यहाँ पे? dp by dt. Force is equal to क्या होता है? dp by dt, हमें तो पता है चेंज कितना होता है 2, यहाँ पे क्या होगा 2p cos theta by t हो जाएगा ना, p by t क्या होता है इस वाटर के केस में वो v square into a, बस ये पता होना चाहिए वाटर केस में। कुछ ना पता हो तो ये वाला पता, क्योंकि इससे लिक्विड से रिलेशन आता है कि ये बॉटम में चेंज करता है, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, बीच की हाइट एस दे रखी है, तो पूछता है कितना फोर्स बैलेंस हो, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी के लिए क्या पता होना चाहिए रो v स्क्वायर इनटू ए, फोर्स के लिए, फोर्स के लिए पता रो v स्क्वायर इनटू, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हो जाएगा 2 रो v स्क्वायर इनटू a cos थीटा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा में b ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा यहाँ होता तो ये sin थीटा आ जाता, ये बात का ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। A boy and a man carry a uniform rod of length capital N horizontally in such a way that the boy gets 1/4 of it. कोई एक रॉड है, यहाँ पे एक एंड पे क्या है बॉय खड़ा है और इसको कितना मिल रहा है 1/4, मतलब mg by 4 इस पे नॉर्मल लग रहा है। इफ द बॉय इज एट वन एंड ऑफ द रॉड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द अदर, तो पूछा है कि अदर एंड से डिस्टेंस बताना है मैन की, तो मैन की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी x है, ये मैन की डिस्टेंस है, ठीक है, और बीच में क्या लग रहा होगा mg, अच्छा ये अगर x डिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा l by 2 minus x, तो x हमें बताना है। हम क्या करेंगे, कभी भी जिसके अलॉन्ग अगर नॉर्मल ना दिया हो ना ही हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे उसी के अलॉन्ग टॉर्क बैलेंस का, इसके अलॉन्ग हम लोग क्या कर देंगे टॉर्क को बैलेंस कर देंगे। तो पहली बात mg का, mg का टॉर्क कैसे आएगा यहाँ पे, r इसका यहाँ पे, इसके लिए r इधर है और mg क्या है नीचे, r क्रॉस m, कैसा आएगा ये क्लॉक कैसा आ रहा है क्लॉक वाइज आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग देंगे mg l by 2 minus x, ठीक है, ये क्लॉक वाइज, ये किससे बैलेंस होगा, इसी से बैलेंस होगा, इस यहाँ से यहाँ तक इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आर ये हो जाएगा आर क्रॉस एम, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा इसके लिए क्या एंटी क्लॉक वाइज आएगा, इसके लिए आर किधर होगा इधर होगा, सॉरी एम जी के लिए आर किधर होगा यहाँ होगा, ठीक है, तो आर क्रॉस एम इधर हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक वाइज, ये क्या हो जाएगा क्लॉक वाइज, तो इसके लिए लिखेंगे एम जी बाई फोर इन टू, तो ये डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एल माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से mg mg तो कैंसिल हो जाएगा, l by 4 minus x by 4 is equal to l by 2 minus x, यही होगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये यहाँ से देख लेते हैं कितनी आती है, लगभग आएगी l by 3, कितना आ रहा है यहाँ से x की वैल्यू l by 3, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि l by 4 है, l by 2 minus l by 4 तो l by 4 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर इसको क्या है 3x by 4 आ जाएगा, ये कुछ ऐसा 3x by 4 is equal to l by 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल x स्क्वायर पे ना l by 3, तो एंड से कितना होना चाहिए x by 3 डिस्टेंस पे होना चाहिए। टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट बट विद डिफरेंट स्पीड एंड अ डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दो पार्टिकल है, पहला ये है मान लेते हैं, दूसरा ये है, ये इसका अलग एंगल है हॉरिजॉन्टल से, इसका अलग एंगल थीटा 1 मान लेते हैं, ये थीटा 2 मान लेते हैं, ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय वन, तो दोनों को दोनों क्या करेंगे प्रोजेक्टाइल करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल करते हुए कुछ आएंगे, रेंज हो सकता है अलग हो इनका, पूछा है कि एक दूसरे को जब सीन करेंगे, एक दूसरे को जब देखेंगे कहीं पे भी, जब एक दूसरे को देखेंगे तो कैसा लगेगा दोनों को, यहाँ पे देखने पे क्या होगा जी, दोनों का क्या है जी रिलेटिव क्या हो जाएगा जीरो ना, जी रिलेटिव अगर जीरो होगा तो इनको क्या लगेगा स्ट्रेट लाइन पाथ लगेगा, क्योंकि ये अगर एक दूसरे को सेम टू सेम, तो दोनों को क्या लगेगा हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, कहीं पे भी लोग देखेंगे यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो इनको लगेगा हम लोग क्या जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जी रिलेटिव क्या हो गया जीरो प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया दोनों के लिए। एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है,
with a speed of 0.01 meter per second, the magnitude of the width of change of lateral magnification of image. तो यहाँ से हमसे पूछा है dm by dt बताना है, ठीक है, ये बताना है हमको. When the object is distant, distance दे रखा है, u दे रखा है, यहाँ पे focal length दे रखा है, और यहाँ पे velocity of image दे रखी है, object दे रखी है, velocity of object दे रखी है, dm by dt. तो ये क्या हो जाए, dm by dt अगर देखा जाए पूरा, अगर फॉर्मूला करेंगे तो d ये क्या हो जाएगा, v by u by dt. अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, u dv by dt माइनस v du by dt अपॉन क्या आएगा, u स्क्वायर, ये तो आएगा, ठीक है. अब हमें पता है क्या, u पता है और क्या पता है, ये dv by dt वेलोसिटी पता है, v नहीं पता और क्या नहीं पता है, dv by dt मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पता है. तो v तो हमारा किससे निकल जाएगा, लेंस वाले फार्मूला से, माइनस वन बाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, v, ये पुट कर देंगे, और dv by dt कहाँ से आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो हम लोग ये पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस m स्क्वायर, और ये m कहाँ से आएगा, f by f plus u, यहाँ से आ जाएगा. तो पहले m निकाल लेंगे, m से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले से v निकाल देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर. और अगर डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट के लिए फॉर्मूला देखना कि चेंज इन पोजिशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एफ एम टू माइनस एम वन, ठीक है. एम टू माइनस क्या होता है, एम वन, चेंज इन मैग्निफिकेशन. तो डेल्टा वी बाय अगर टी करेंगे तो माइनस एफ, और ये डेल्टा एम बाय क्या होता है, टी, यही तो हमसे पूछ रहा है. ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय टी, और क्या हो जाएगा, एफ, ये माइनस डेल्टा एम बाय टी, यही हमसे पूछा है. अब यहाँ पे डेल्टा वी बाय टी देखना क्या है, डेल्टा वी बाय टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो इसको क्या है, इसके लिए सीधा सीधा हम यहीं से पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो हमें क्या है, ये स्टेप बच जाएगा हमारा, और ये कैलकुलेशन भी बच जाएगा, सीधा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सीधा आ जाएगा कि मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे यहाँ पे. तो मैग्नीफिकेशन, आप मैग्नीफिकेशन कितना आएगा एक बार निकाल के देख लेते हैं. मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो होगा 0.3, और 0.3 माइनस 0.4, तो आएगा माइनस 0.3 आएगा, माइनस थ्री आएगा, कितना आएगा ये, माइनस थ्री मैग्नीफिकेशन. तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या, नाइन हो जाएगा, प्लस नाइन. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा वो हो जाएगा माइनस नाइन इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना देखा है, 0.01, तो ये हो जाएगा माइनस 0.09. अब ये क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब क्या दे रखा है, ये एक्चुअली में दे रखा है डेल्टा वी बाय, यही तो दे रखा है. ये वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय फोकल लेंथ. तो 0.09 अपॉन 0.3 करेंगे, क्या आएगा, 0.3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, पॉजिटिव आएगा ये ऑप्शन, ये डायरेक्ट है. इसके लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चेंज इन पोजिशन ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस एफ एम टू माइनस एम वन, ये हो जाएगा. ए बायोमेटेलिक इज मेड ऑफ टू स्ट्राइप ए एंड बी हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा दे रखा है, ठीक है. तो जिसका अल्फा बड़ा होगा उसमें चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वो कहाँ जाएगा, आउटर साइड में जाएगा ना, ठीक है. ये मेटल स्ट्रिप ए है और ये बी है, अगर इसमें ज़्यादा चेंज करना है तो क्या होगा, ये तो अंदर की तरफ इतना ही मुड़ेगा मान लेते हैं, लेकिन ये क्या होगा, ये ज़्यादा बेंड होगा ना, इसकी लेंथ क्या आनी है, इसमें चेंज क्या आना है, ज़्यादा आना है, तो ये क्या होगा, बाहर साइड में, तो बी आना होगा. वैसे सीधा जाते जिसका अल्फा ज़्यादा वो क्या होगा, आउटर साइड पर बेंड होगा. अ फिगर शो द एसलेशन टाइम ग्राफ पार्ट का बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंज द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एसलेशन टाइम ग्राफ दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एसलेशन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव, ये हो नहीं सकता, ये भी स्लोप पॉजिटिव है. लेकिन सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे एसलेशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है, ये तो पहले का था. यहाँ पे देखना वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मतलब यहाँ का स्ट्रेट आना चाहिए, तो गया, ठीक है. अगला क्या, अगला फिर पॉजिटिव है, तो अगला कौन सा स्लोप, इसका स्लोप तो नेगेटिव है, ये भी चला गया, तो कौन सा बचा, खाली बी ऑप्शन बचा. तो स्लोप हमें देखना था, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. अगला क्वेश्चन, थ्री सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, सबका क्या देखा, 1 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम. पूछा है इफेक्टिव ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, ये और ये पॉइंट के बीच में हमें इफेक्टिव पूछ रहा है. तो अगर ये दोनों को भी पूछ रहा है, इसको रहने देते हो, इसको पहले क्या एक सेल बना लेते हैं. तो ये दोनों सेल कैसे दिख रहे हैं, सीरीज दिख रहे हैं ना, और सीरीज में ये पता होता है अगर दोनों टर्मिनल क्या अपोजिट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे. यहाँ पे ये पी था और ये हमारा पी पॉइंट है, यहाँ से 1 ओम निकाला गया है और 1 वोल्ट यहाँ पे क्यू पॉइंट है इसके अक्रॉस. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों अपोजिट टर्मिनल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, और दोनों
जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे क्या था, पी के पास यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, दोनों जुड़ेंगे उसके बाद क्या आएगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा। तो 2 वोल्ट और कितना हो जाएगा, 2 ओम। ये देखना ये सीरीज में है ना, और ये देखें पॉजिटिव और क्या है ये नेगेटिव, जब भी कभी अपोजिट में होते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, अगर सेम सेम होते तो माइनस कर देता, तब ये 0 हो जाता, फिर यहाँ का काम ही खत्म हो जाता अपना। अब पी और क्यू के बीच निकाला भी क्या है, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ई एम एफ वाला क्या आ जाएगा, E1 R2 और क्या प्लस माइनस जुड़ा है ना, E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे देखना, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस, और ये 1 था, 1 × 2 कितना, ये भी 2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 3, तो ये कितना हो गया 0, कौन सा आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था टेस्ट नंबर 2 से लेकर 5 तक का अपना मीडियम लेवल का क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे हो कि ये भी करवाना चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा।